तो मित्रों मेरे पीछे है मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर फुल मस्ती के साथ एजुकेशन भी यहाँ पे अपनी पूरी कंप्लीट करते हैं मैम्स के साथ। और ये बच्चों के लिए है छोटा सा एक प्ले क्लासेस, यहाँ पे बोल सकते हैं टॉयज रूम, यहाँ पर बच्चे फुल तरीके से एंजॉय करते हैं। और ये बच्चों का है मित्रों प्ले ग्राउंड जैसे मैंने, और ये बच्चों के लिए है कंप्यूटर रूम, और ये है बच्चों का एवी रूम। यहाँ बच्चों को वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, आपके बच्चों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये है बच्चों के लिए म्यूजिक रूम, यहाँ पर बच्चे संगीत में भी पूरी की पूरी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बच्चों के लिए आर्ट क्लासेस, ये इंडोर स्टेडियम है जैसे हमने आपको बोला था, यहाँ बच्चों को पूल की ट्रेनिंग एक शिक्षित यहाँ टीचर द्वारा दी जा रही है, और यहाँ भी टेबल टेनिस का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये है ऑडिटोरियम रूम, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और एक साथ इन बच्चों की कला उनके पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स यहाँ मौजूद रहते हैं। और ये है बच्चों के लिए लाइब्रेरी रूम, मतलब एक साथ पूरा पैकेज यहाँ मौजूद है। और ये है दोस्तों बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग ग्राउंड, यहाँ पर बच्चों को घुड़सवारी सिखाई जाती है छोटे छोटे नौनिहालों को, कि हर चीज में वो प्रशिक्षित होकर इस स्कूल से जब भी जाए प्रशिक्षित होकर बाहर निकले। आधुनिकता की दौड़ में मित्रों बच्चों को किन किन चीजों के लिए ज्यादा जरूरत होती है शिक्षा की, ये सारा सब कुछ यहाँ ध्यान रखा गया है MIS मैनेजमेंट द्वारा, MIS मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट द्वारा। अभी हम अपने बच्चे को कहीं स्कूल में दाखिला कराने ले जाते हैं तो जहन में रहता है स्कूल कैसा होगा, वहाँ की शिक्षा कैसी होगी, तो यहाँ पर आज की शिक्षा के अनुसार सारी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ बच्चे को किस तरीके का एंटरटेनमेंट देना चाहिए, और वह भी यहाँ सब कुछ, मतलब पूरा एक पैकेज है यहाँ MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल में। लेकिन अच्छे स्कूल की बात आती है जहन में आता है डोनेशन, मैं आपको पुनः बता दूं MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल डोनेशन रहित है, यहाँ पे डोनेशन नहीं लिया जाता, क्योंकि बिल्कुल आपकी जो मंथली फीस है उसी में ही आपका बच्चा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से ये आप स्कूल आपके बच्चे के लिए बेहतर है, तो मैं कहूँगा किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले एक बार MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल आप आए और देखें क्या वास्तव में ये आपकी नीड कंप्लीट कर रहा है। शुपरी लिंक रोड पर आप शीतला माता मंदिर के लिए जाते हैं तो यहाँ बीच में जो पुलिस चौकी मिलती है उससे महज 200 मीटर आगे लेफ्ट हैंड पे आपको मिल जाएगा मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल ये स्कूल, यानी आपके अपने बच्चे का प्यारा वाला ये स्कूल। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, जय बाबा चलनाथ की। विन ग्वालियर है के साथ सिटी केबल की संयुक्त प्रस्तुति MIS आओ मेला चले कार्यक्रम में मैं शिरीश गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 24 जनवरी और बुधवार का दिन, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, देखते हैं किसने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा गया इस कार्यक्रम में। MIS आओ मेला चले भारत हमको प्यारा है, यही स्वर्ग हमारा है, बहती एक नदी है हम, अगली एक सदी है हम, भारत नई बुद्धि में कम बना चुके कंप्यूटर तुम, बीती रात हुआ उजाला घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हस्ती गाती बिखरी धूप। चलो वेरी गुड, क्या नाम है बेटे आपका? अंशु। क्या सुना रहे हो?
पोयम। पोयम इतने बड़े बच्चे सुनाओ। नन्ही चींटी कनी-कनी कर अपना घर बना लेती है। जोर से सुनाओ ना, मेरे तक आवाज आए, माइक में तो आ रही है, मुझ तक आवाज तो आए बेटा। नन्ही चींटी कनी-कनी अपना घर बना लेती है, फूल फूल पे डोल डोल का मधुमक्खी रस लेती है, पसीने सूरज जाग जाग का सबको रात दिखाता, रोज नंदनिया बहती है सागर इंद्र। आपको आवाज आई, इन्होंने सुनाया कुछ? इतनी धीरे नहीं बेटा, जोर से सुनाते। ये लो आपके लिए रख लो, बिंदल फैशन फर्नीचर से। ये बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से। क्या नाम है? अंशिका अग्रवाल। आप क्या सुनाओगे? भजन। भजन सुनाओ। शाम सुंदर सवेरे सवेरे तुम बंसी बजाया करो ना, नाम बंसी पर ले ले कर मेरा, तुम मुझको बुलाए करो ना, तुमने ओढ़ी है खाली कमरिया और हाथों में ले मुरलिया, मेरे घर के अंगारे पिछाड़े, मेरे घर के अंगारे पिछाड़े, तुम्हें चक्कर लगाए करो ना। बहुत अच्छा, शानदार। आपका नाम क्या है? तीनों गुलवानी। आप क्या सुनाओगे? पोयम सुनाओ। फटक फटक कर आती बोलू, फुर फुर कर उड़ जाती बोलू, अपनी रूम ले रहती हूँ, कुत्तों कह कर जाती बोलू, मधु मधुआ गीत सुनाती, कुट कुट करके जाना गाती, मुड़ मुड़ कर मैं तरू पर जाती, सुबह सुबह हवा में जाती, तितली रानी बड़ी सियानी फूल फूल पर जाती हो, सब फूलों से रंग चुरा कर अपने पंख सजाती हो, तितली रानी बड़ी सियानी मेरा मन ललचाती हो, जब मैं तुम्हें पकड़ने जाता इधर उड़ 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 जाती हो। चलो वेरी गुड बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा। क्या सुनाओगे? मैं चुटकुला। चुटकुला सुनाओगे? सुनाओ। एक पति पत्नी थे और उनके घर पर चार मेहमान आए थे, उनके घर पर खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं वो क्या कहते हैं वो एक उसका पति बोल रहा था कि ना अपन दोनों ना लड़ेंगे वैसे ही झूठ मार का, फिर कमरे में वो बोल रहे थे कि ना वो क्या कहते हैं नहीं वो क्या कहते हैं वो कह रहे थे कि मैं भी तो मेरे पास नहीं है खाने के लिए, मैं कहाँ से ले आऊँ, वो उसका पति बोल रहा था कि ना मैं भी कहाँ से ले आऊँ, फिर वो लोग कहीं दुबक गए थे, तो उन मेहमान चार मेहमान दुबक गए थे कहीं पर, वो लोग बोल रहे थे कि वो पति पत्नी भी बोल रहे थे कि ना वो बेटा चुटकुला ऐसा होना चाहिए छोटा सा समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक आपके लिए रख लो, रीडा शू से। क्या है ये? क्या ये नींद है? नींद। अरे तो नींद है तो घर में आके अपने करना भाई। बोल बोल चल। गए ही है? गए ही। अरे तो ये किसी के भी कंधे पे घर है नहीं है, क्या मतलब है ये? गद्दे है ये। गंदा है फालतू में। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल। क्या सुना रहे हो? मिमिक्री जानवरों की। जानवरों की मिमिक्री? मोर की। पहले पहले मोर की? हाँ। कोयल की? हाँ। वेरी गुड। डंकी की? जोर से करो। चल के आओ ना, कैसा करता है वो? चलो वेरी गुड। और भैंस की? अरे वेरी गुड। और अब नहीं है? पेट लाऊंगा। पेट भी लाऊंगा? हाँ। कैसे लाते हैं, लाओ जरा। अरे वेरी गुड। ऊपर कर लो ना, चेहरा ऊपर कर लो, आप घुमाओ। हाँ सबको देखना तो चाहिए, देखो ताली भी बजाएंगे सब लोग। वेरी गुड। कहाँ रहते हो आप? मुरार। मुरार में रहते हो? वेरी गुड। मुरार में किस जगह? कारखाने तरफ। कारखाना कहाँ पे है? भीमनगर से। भीमनगर कहाँ पे है? काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर कहाँ पे है? भीमनगर में है। भीमनगर में। भीमनगर कहाँ है? काली माता के मंदिर के सामने। काली माता का मंदिर भीमनगर में। अरे यार तो पेड़ घुमाऊंगा, पेड़ घुमाऊंगा। आलसी आदमी। क्या नाम है बेटा? विशाल। विशाल सोनी। अच्छा क्या सुना रहे हो? गाना। गाना गाना सुनाओगे? तेरे रास्ते कमर तू
हाँ हाँ तुम अपना काम करो, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो। तेरे रास्ते कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वो सिन की लड़ी दर्द ऐसा लगा, चांदनी मुस्कुराए मजा आ गया। मजा आ गया क्या? स्टंट करके देखा हुए? नहीं, स्टंट नहीं करके देखा हुए। चलो वेरी गुड। स्टंट है? स्टंट देख, मैं दिखाऊं एक स्टंट, दिखाऊं, दिखाऊं क्या स्टंट? आज का मैं किस्सा बता रहा हूं आपको, इसका बता दूं? नहीं, बता देता हूं। नहीं, अब तो बता ही दो। बता दूं? नहीं। क्या नाम है बेटा? सोहेल। क्या सुना रहे हो? शायरी। शायरी की शायरियां? शायरियां। शायरी। हर घर को जन्नत। जोर से सुना बेटे, आसपास के बच्चों को तो आवाज आए। हर घर को जन्नत बनाती है बेटियां, अपने हाथों से घर को सजाती है बेटियां। जब वक्त आता है विदाई का, सबको रुलाती है, रुला जाती है बेटियां। एक हद अदब से सलाम कहना, फिर मोटी जुबा बन के खुशी का पैगाम कहना। खुदा के दरबार में जाके जई फरियाद करता हूँ, खुदा गुड्डू भैया को सलामत रखना, इन्हें मैं प्यार करता हूँ। फिर से वो रात आई है, गुड नाइट कहने की बात आई। हम तो चल पड़े थे सितारों की पनाह में, गुड्डू भैया को देखा तो चांद को देखा, गुड्डू भैया को छोड़ के सुना दो। एक मिनट, भूल गए तेरा किस्सा बता देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, आलस आ रहा है ना तेरे को? आज का ये अब नहीं सोऊंगा, है अब नहीं सोऊंगा, पक्का पक्का एकदम पक्का पक्का सही में? हाँ कसम से। सोगे तो नहीं ना? हाँ। निशी चौधरी। और आपका? मधु। आप दोनों शायरी सुना रहे हैं? हाँ। चलो देखता हूँ बेटर किसकी शायरी है, एक आप और एक आप। हाँ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, प्यार मैं करूं किस किस से, तेरा एक प्यारी काफी है। नीम की लकड़ी कोई चंदन से कम नहीं, हमारा भी ग्वालियर कोई लंदन से कम नहीं। हाँ। मैंने प्यार किया लैला समझ के, तेरे बाप ने हमें पाट दिया थैला समझ कर। याद कर लूं एक शायरी। भूल गए आप? चलो कंटिन्यू करो। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। वेरी गुड। और भूल गए? सुना सकते? चांदनी चांद से होती है, चमकना तारों को पड़ता है, मोहब्बत निगाहों से होती है, तड़पना दिल को पड़ता है। जल्दी। और आप तो कह रहे थे बहुत सारी शायरियां हैं, आप तो भूल गए। बादल है तो बरसात भी होगी, दिन है तो रात भी है, बिछड़ने का गम मत करो, जिंदगी है तो मुलाकात भी होगी। क्या ये? शाही। अबे काय की शाही, क्या कर रहे हो तुम लोग? शाही सुना रहा है, ऐसे सुना रहा है। अबे ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? आलस आ रहा है। क्या कर रहे हो ये? नींद आ रही है। अरे तो नींद आ रही है, अपने घर पे जाके सो, नींद आ रही है। कभी घर नहीं है, है? यही फुटपाथ वाला। फुटपाथ की फुटपाथ? फुटपाथ हद करके रख दी यार, मेरे को काम नहीं। एक शायरी, नींद आती है तो आने दो, हमको सोने दो। चलो हो गया आपका बेटा। और यार, चांद के लिए सितारे अनेक है, पर चांद सितारों के लिए चांद एक, आपके लिए बहुत होंगे पर हमारे लिए आप एक। वेरी गुड। और अंकल मुझे नहीं। खत्म। मेरा निशू चौधरी। आपका? मधु। आपका? शिखर राठौर। और आपका? वैशाली सान। आपका? तिरुगुल अनुष्का मारा। अनुष्का। चलो मैं गाना बजाता हूँ। वेरी गुड। क्या सुनाओगे? गीत सुनाओ। राधे कृष्ण की ज्योति अनोखी, तीनों लोक में छाए रही है, भक्त विवस एक प्रेम पुजारिन, फिर भी दीप जलाए रही है, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है, दोनों करो स्वीकार प्रभु जोगन आरती। चलो बेटे वेरी गुड। क्या नाम है आपका? चीनू। ओएम जल्दी से। मटली जलती रानी है जी। एक आपके लिए रख लो।
ये भागीरथ प्लाजा से एक आपके लिए ये उपहार है इधर। बेटे क्या नाम है आपका? नंदनी। पोयम? हाँ इधर, क्या नाम है? शिवानी। क्या पोयम? फिर शायरी। सुनाओ सुनाओ। काली साड़ी पर खड़ाई नहीं होती सहेली, तुम्हारी याद में रखो। भागीरथ प्लाजा से एक आपके लिए उपहार है, नाम आपका? खुशी। क्या सुना रहे हो? डांस। डांस तो बेटा मैंने ले लिया है। जीतू। क्या नाम है? जीतू। आप क्या सुनाओगे? शायरी। जल्दी। वो क्या कहते, फूल चमन से खिलता है, थोड़ी सी और लेता है प्यार मुझसे, करते मजा कोई और लेता है, मत फेंको पानी पत्थर से कोई पीता हुआ मगर। रिपीट है, लगातार चार दिन से चल रही है ये एक शायरी। रखो आपके लिए भी भागीरथ प्लाजा से है मेरे पास, ये रखो एक आपके लिए MIS, आपके लिए भी MIS से है बेटे। MIS कहाँ पर है ये? सिपरी लिंग रोड। और क्या क्या है यहाँ? इसमें टेबल टेनिस खेलने का भी है, इसमें ड्रम भी बजा सकते हैं हम, और इसमें हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं और बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, मतलब सब। और एजुकेशन में कंप्यूटर क्लासेज, कंप्यूटर लैब भी है इसमें। और इसमें इसका नंबर कितना है? CBSE नंबर कितना है इसका? CBSE नंबर नहीं, अभी नंबर में इसका CBSE नंबर होता है ना, कितना है? 10 10 39 37 9 3 7 10 39 37। हाँ वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चों को CBSE नंबर MIS का याद। एक आपके लिए है MIS से, आपके लिए भी है। एक आपके लिए MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से, आपके लिए भी है। एक आपके लिए भी है MIS से है, एक आपके लिए भी है। कहाँ पर है ये? सुपरलिंग रोड। और क्या क्या है यहाँ? यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है। हाँ और रखो एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, और एक आपके लिए। कौन सी चाय हमारे प्रोग्राम में जो पहले हाथ खड़ा कर देगा? आर आर टी कंपनी। कौन सी चाय है? पदमश्री। कहाँ मिलती है ये? हर शॉप पर मिलती है। रख लो RRT कंपनी नया बाजार से एक आप सबके लिए और है मेरे पास यहाँ पर। पद्मश्री चाय रखते जाओ बेटे, एक आपके लिए, आपके लिए भी है, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय से, आपके लिए है बेटे, आपके लिए है पद्मश्री चाय से, एक आपके और एक आपके लिए। रिडाज सूज कहाँ पे मिलता है ये? टोपी बाजार तो शिल्पी फुटवेयर है, और हर शॉप पे। एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है बेटे, रीडा शूज से रखते जाओ, आपके लिए है। एक आपके लिए है बेटे, रीडा शूज से रखते जाओ, आपके लिए भी है। एक आपके लिए है और एक आपके लिए है। हाथ खड़ा कर देगा, मैं उससे पूछ लूंगा, नीचे कर लो, जो पहले हाथ खड़ा करेगा बाद में। ताजमहल पोहा जी? ताजमहल पोहा है, इसमें ना वो वैसे कीड़े निकलते, इसमें वो नहीं निकलते। क्या निकलती है? बताओ इधर से, बताओ बेटे। हर शॉप में मिलता है, और इसमें चूहे जो काटते हैं वो भी नहीं काट पाते हैं, और ना मतलब ये अच्छा है पोहा, और हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ओ कहाँ मिलता है ये? हर शॉप पे। एक आपके लिए रख लो ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए भी है बेटे, ताजमहल पोहा से रखते जाओ। एक आपके लिए है, एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, रख लो। एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, आपके लिए भी है। ये हरी बाबू पोहा वाले दाल बाजार मैन स्टॉकिस्ट, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है। ब्रेस आटा है? क्या खासियत है बेटे? इसमें प्रोटीन भी है, और इसमें प्रोटीन भी है, जो खाते नहीं है वो भी खाने लगते हैं, और बूढ़े के लिए ये सही रहता है। जो बच्चे खाना नहीं खाते वो भी खाने लगते हैं। एक आपके लिए रख लो, आपके लिए भी है गालब चक्की ब्रेस आटा से, एक आपके लिए, आपके लिए है, आपके लिए भी है। कौन सा है ये? गालब चक्की ब्रेस आटा से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए। आपने डांस इतना अच्छा क्यों नहीं किया? सारे बच्चे अच्छा डांस कर रहे थे। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है गालब से। तीन जो पहले हाथ खड़ा करेगा पूरा बताएगा, एक मिनट बताओ। बोगरा कहाँ पे है ये? हर शॉप पे मिलता है? नहीं हर शॉप पे नहीं मिलता है। इधर ना 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 ना, इधर से जो बच्चा बताओ। जीवन टेक के सामने, और पिंटू पार्क, और 32। वेरी गुड। एक आपके लिए रख लो भोगरा नमकीन से, एक आपके लिए भी है बेटे भोगरा नमकीन से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए है भोगरा नमकीन से, सॉरी रख लो, एक आपके लिए, आपके, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके, और एक आपके लिए भोगराज से। खड़ा करेगा बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन कहाँ पर? जल्दी जो पहले हाथ खड़ा करेगा बताओ। मुझे नहीं पता है। मुरार ग्राम सगर सड़क।
और क्या है इनके यहाँ? यहाँ पर वो बहुत बढ़िया वो है बिंदल फैशन का, जो 3 मंजिल का इनके यहाँ पर शोरूम है। वेरी गुड, एक आपके लिए है रख लो, बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए बेटे बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन मुरार गरम सड़क से एक आपके लिए है, आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है और एक आपके लिए भी है, सबके लिए है मेरे पास। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटली चॉकलेट है, यहाँ पर ताजमहल पोहा से एक एक आप सबके लिए है, आपके लिए, आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए है, एक आपके लिए, आपके लिए है, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए और एक आपके लिए। ताजी स्मार्ट पसंद, कितने सालों का विश्वास? 12। और इस बार क्या कितनी मोटरसाइकिल? जोर से बोलो, 2 मोटरसाइकिल एक आपके लिए है बिंदल, ये आपके लिए है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए है बेटे, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से रखो, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए भी और एक एक और है मेरे पास, आप सबके लिए है, जिसने झोले में रखे उसके कटे। हाँ आप तो कट गए, आपका 500 रुपये आपको मिल रहे थे कट गए, झोले में रखे ना आपने, 500 रुपये रख लो, बॉम्बे नोवल्टी की पहले बलवीर भाई की शॉप से रखते जाओ, एक आपके लिए 500 रुपये, एक आपके लिए भी है, ये 500 रुपये एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी की पहले छती नंबर 10 पर, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है बॉम्बे नोवल्टी के पैलेस से, एक आपके लिए भी। चलते हैं यहाँ सब सीधे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर कंपनी शोरूम के अंदर, मौजूद हूँ मैं यहाँ गोल्डन लाइफ पवेलियन के अंदर। आप देख रहे होंगे यहाँ गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर शोरूम्स के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट धूम मचा रहे हैं, और एक बार 26 जनवरी की स्कीम को पूछ लेते हैं, 26 जनवरी के लिए स्कीम्स को एक बार और बताइए। मैं गुड्डू भैया बताना चाहूंगा कि स्पेशली 26 जनवरी के लिए हमारी कंपनी एक विशेष ऑफर निकाला हुआ है, बहुत अच्छा ऑफर निकाला हुआ है, जिसमें अपन कहते हैं हमारा एक मॉडल है 2010A मॉडल है, हाँ 2010A मॉडल है, इसके साथ में कंपनी ने एक जो कुकर है 5 लीटर का आईएसआई प्रेशर कुकर, जिसकी कीमत है करीबन 1650 रुपए, और एक बर्तन का सेट 5 पीसेस बर्तन का सेट जिसकी कीमत है 850 रुपए, यानी कि ये कॉम्बो पैक बनाया हुआ है, ये कॉम्बो पैक टोटल मिलाकर होता है आपका आपका 5750 रुपए का, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने हाई डिस्काउंट देते हुए मात्र ये 3750 रुपए में दे रखा है, मात्र 3750 रुपए में और 5 साल की वारंटी, 5 साल की वारंटी, 5 साल का विश्वास जी, यकीन थोड़ा कम होता है कि 5750 वाला पैकेज यानी 2000 रुपए सीधे सीधा फायदा है, बिल्कुल बिल्कुल 2000 रुपए से। एक और कोई पैकेज? हाँ, एक हमारा जो क्या है 2-3 साल से हर बार डिमांड आती थी कस्टमरों की कि कुछ नया लेकर आओ, तो हमारी कंपनी इस बार एकदम से स्मार्ट और एंड्रॉइड का जमाना है, तो एकदम से स्लिम सेट निकाला हुआ है, ये देखें बिल्कुल स्लिम सेट, इसकी करीबन जो इंडक्शन की जो कीमत है वो 4750 रुपए है, लेकिन इसमें कंपनी ने एक बम्पर इस योजना के तहत इसका भी एक कॉम्बो पैक बनाया हुआ है, जिसमें 1650 रुपए का प्रेशर कुकर 5 लीटर का ISI और इसके 850 रुपए का बर्तन का सेट, ये कहा जाए 6750 रुपए जो उसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए में स्पेशल 26 जनवरी के लिए। आपको यकीन हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ आइए ना, यहाँ आके यकीन करिए, क्योंकि ये कॉम्बो पैक है इनका, इसमें कॉम्बो पैक में एक पैकेज इनका जो है 5750 रुपए का वो 3750 रुपए में है, और एक कॉम्बो पैक इनका है 6750 रुपए वाला 4500 रुपए में, जिसमें एक ISI प्रेशर कुकर साथ में ये स्टेनलेस स्टील के 5 बर्तन, ये केवल 26 जनवरी तक के लिए, केवल 26 जनवरी के लिए विशेष तरह ऑफर निकाला गया। कल भी तो चालू रहेंगे, कल भी चालू रहेंगे, आज से ही कंपनी ने ऑफर लागू किया हुआ है, आज से इसको ऊपर आगे कल से चालू हुआ है, तो मतलब 26 जनवरी तक ही रहेगा, 26 को नहीं रहेगा, 27 को नहीं, 26 तक रहेगा ये। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है और संविधान दिवस है, संविधान दिवस पे यहाँ के जो MD है SS पारा सर जी, उन्होंने स्पेशल स्कीम आपको दे रखी है, तो आइए और स्कीम का लाभ उठाइए ना, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, और साथ में 5 ड्रॉ जीतने का आपके लिए अवसर है, पहला DVD प्लेयर, दूसरा 10,000 का कैश अवार्ड है, तीसरा है आपके लिए गोवा ट्रिप, और चौथा है आपके लिए ये शानदार पल्सर बाइक, और अगर
ये भी नहीं अगर आप जीत पाते तो पांचवा आपके लिए है मेगा, यानी 6 दिन 7 रात सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया का आपके लिए ट्रिप, यानी 12 सालों का विश्वास और स्मार्ट गहनियों की स्मार्ट पसंद, मेले के साथ भी और मेले के बाद भी। गोल्डन लाइट इंडक्शन कुकर 36 नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में। चलते हैं अब सीधे अग्रवाल फोटो फ्रेम शोरूम के अंदर। दोस्तों देखिए आप, बड़ी यूनिक सी है ये मेला है और मेले में झूला ना हो तो काम खराब होता है। झूले वाली ये फ्रेम बड़ी एंटिक टाइप की है, यहाँ पे आपको एप्पल शेप में ये फ्रेम मिलेगी एप्पल शेप के साथ, यहाँ पे म्यूजिक में ये गिटार वाली फ्रेम भी मिलेगी और साथ में ये आप देख रहे हैं ये रोलिंग ये भी है। और ऐसा ही नहीं है, बच्चों के लिए एक शानदार सी ये मिकी माउस वाली फ्रेम भी आपके लिए मौजूद है, साथ में ये एक फैमिली फ्रेम भी है। और ये आप जो इधर देख रहे हैं ये भी काफी यूनिक, यानी फ्रेमों के तो बादशाह है अग्रवाल जी, फ्रेमों के बारे में तो आपका कोई जवाब नहीं है। प्रयास रहता है साहब गुड्डू भैया हमारा कि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज उपलब्ध करा पाए। अक्सर आपने घर में कोई ड्राइंग बनाई है या कोई सीनरी बनाई है, पेंटिंग की हुई है कोई शानदार सी और वो रखी हुई है, वो खराब हो गई है, या ऐसी फ्रेम आपको चाहिए जो लंबे समय तक आपकी वो पेंटिंग पेंटिंग जो आपने तैयार की है वो लंबे समय तक जिंदा रहे, तो वैसी फ्रेम अग्रवाल जी आप तैयार कर? बिल्कुल कर देते हैं साहब, जैसे कैनवास को फ्रेम कराना है या फोटोग्राफ से या पुराना फोटो से कोई को नया भी करा करके देना है ना, कई बार माता जी पिताजी के फोटो होते हैं उस तरीके के फोटो भी हम करा के देते हैं। और फ्रेम तो हर तरीके की, जैसी बड़ी छोटी हर साइज में, जिस साइज में चाहता है, मतलब जितना बड़ा कोई अगर ये चाहता है कि हमें 4x8 में भी फ्रेम चाहिए, उसके साइज से बड़ी बन जाएगी, जितना बड़ा वो खुद है उससे बड़ी साइज की फ्रेम बना के देंगे। पक्का है एकदम? बिल्कुल पक्का। यहाँ मेले में तो आपका यहाँ है 36 नंबर 3 गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के सामने, ये सारा आप शहर में साल भर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हम विशेष तैयारी करते हैं, यहाँ विशेष कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जगह ज़्यादा बड़ी इसीलिए लगाते हैं कि डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो अगर मैं तो ये कहूँगा, एक तो मेले का फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर जो भी ले रहा है, यहाँ पे मेले का 25% छूट मिल रही है, उसका फ़ायदा उठाएं और डिस्प्ले भी ज़्यादा अच्छा है तो उसको ज़्यादा अच्छा। मतलब ये है कि कोई फ्रेमिंग करवाता है जी, मेले के बाद 25% का लाभ आप उसे नहीं देंगे? नहीं नहीं, फ्रेमिंग पे नहीं, अभी भी ये बने हुए फ्रेम्स के ऊपर है, बने हुए फ्रेम्स के ऊपर है जी। और साथ में इनके एक 101 रुपए वाली मूर्ति, अगर आपके कोई ग्रे क्लेश टेंशन है, बता रहे थे मुझे अग्रवाल जी की सुबह से टेंशन में आ गए, आज भी खत्म हो गई? आज खत्म हो गई है और कल शाम से ही नहीं है, कल शाम से नहीं है, अगर आप भी लें तो वो खत्म हो गई है। अगर आप भी लेना चाहते तो मैं कहूँगा जल्दी आए, क्योंकि इनके वो जल्दी खत्म हो जाती है, मेला है आप कुछ ही आती हैं। बिल्कुल। और गुड्डू भैया एक तो ये कहूँगा 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी पे मैं दर्शकों को जो 25% डिस्काउंट है केवल 26 जनवरी के दिन 40% का डिस्काउंट देना चाहूँगा, केवल 26 जनवरी लीजिए, एक और आपके लिए डिस्काउंट है, मतलब 26 जनवरी को अगर आप आते हैं अग्रवाल फोटो फ्रेम पे तो आपके लिए 40% का एक्सक्लूसिव यहाँ पे इन्होंने, मतलब और 15% डिस्काउंट, 25 के अलावा 15 प्लस 15 है तो 40% आपके लिए डिस्काउंट। और अग्रवाल फोटो फ्रेम 36 नंबर 3 कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के सामने शहर में है ये भालाभाई का बाजार। चलते हैं यहाँ से सीधे वोल्टाज बसंत सेल्स कॉर्पोरेशन के शोरूम में और जानकारी ले लेते हैं एक बार और नटराज की आटा चक्की। पहले पूछूंगा नटराज आटा चक्की अच्छी क्यों मानी जाती है? सर अच्छे, इसमें हर तरह के अनाज मसाले आ गए, घर बैठे अपने शुद्ध पीस सकते हैं इसमें सर, गेहूं मक्का ज्वारा बाजरा नमक आलू जड़ी बूटी आदि जो भी चाहो एक बार में पीस सकते हैं इसमें आप, जिस तरह से अपने को बारीक मोटा करना है खाली जाली चेंज करनी और कुछ सेटिंग करना नहीं है, जिसमें सिंपल ही है सर, ये यहाँ पे जाली लगानी है सर, इसमें ये जाली निकाली फिर जाली लगानी है, जाली लगा के इसको बंद करके स्टार्ट करो, गेहूं डाल दी पूरा अनाज पीस के इसके कंटेनर में आ जाएगा अंदर से सर, ठीक है कहीं से उड़ेगा ना फैलेगा, प्लस इसमें इनबिल्ट वैक्यूम लगा है सर साफ सफाई के लिए, जैसे 99% ऑटो क्लीन होगी चक्की बंद हो जाए उसके बाद 10% सफाई के लिए इनबिल्ट वैक्यूम दिए, वैक्यूम से आप सफा सफाई करेंगे, इसके साथ में इनबिल्ट वैक्यूम है सर। अच्छा, सक्शन भी करता है ब्लो भी करता है वो। अक्सर ये होता है जैसे हल्दी है, हल्दी बड़ी हार्ड होती है, मक्का हार्ड होता है, मक्का भी इसमें एक बार में आप पीस सकते हो, हल्दी को भी बड़ी होती है जो टूट कूट के थोड़े टुकड़े करके डाल दो इसमें भी पीस सकते हो, इसमें कंकर भी डाल दो तो उसका भी आटा बन जाएगा सर, ऐसी हार्ड पत्थर भी पीस जाएगा सर, पक्का है एकदम, पक्का पक्का एकदम 100% श्योर सर। आप कितने मॉडल्स कितने अपने इसमें? अपने पास 10 मॉडल है सर,
दीवान 16,000 से स्टार्टिंग रेंज है, 22,000 तक के सारे मॉडल है इसमें अपने पास, सारे मॉडल। अब मैं बिजली कंजक्शन की अगर आपसे बात करूं, इसमें 1 HP की मोटर है 750 वाट की, एक घंटे में 0.75 बिजली कंजक्शन आता है अपना। 0.7 से मतलब ये हो गया कि अगर 4 घंटे ये अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं, 4 घंटे में ऑपरेट करते हैं अपना 40 किलो आटा पीस देगी सर, ये 40 किलो में अपना 2.5 यूनिट बिजली खर्चा होगा। 2.5 यूनिट क्यों, बाजार में 40 किलो आटे का दाम 80 रुपए का हो जाता है, अब तो ज्यादा है 3-4 रुपए। तो अपन 2 रुपए गांव के हिसाब से भी गिने तो सर 80 रुपए गिनते ना, 80 रुपए। और यहाँ पे यहाँ पे अपने को -20 रुपए में अपना आटा शुद्ध आटा मिल जाता है घर बैठे अपने गेहूँ का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजार से जो हम आटा रेडीमेड पिसवा के लाते हैं पीसते हैं, उसमें चोकर अलग से निकल जाए, फाइबर अपने को खाने में नहीं, ये चक्की में फाइबर भी अपने को खाने को मिलता है, यानी प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलता है इसमें चक्की के आटे से निकल। ये देखिए, अगर आप शरबती आटा खाने के शौकीन है, शरबती गेहूं लाते हैं आप, सपोज देर मैं फिर बोलूंगा 40 किलो गेहूं आपने किसी चक्की पे भेजे और आपके वो गेहूं पिसकर आए और आपने बोला कि इस बार शायद आटे में वो मजा नहीं है, आटे में मतलब गेहूं में तो वो मजा था, लेकिन हो सकता है जिस चक्की पे आपने भेजे हैं वहां से अगर उन्होंने 3 या 4 किलो आपके गेहूं निकाल लिए और सादा मिक्स कर दिया तो आपका टेस्ट चेंज हो गया। आप गेहूं में दिक्कत नहीं थी, वो आटा मिक्स होकर जो आया है इसलिए आपको खराब लगने लगा। अगर आप चाहते हैं प्योर 100% आपका शरबती गेहूं वाला आटा बना रहे तो मैं कहूंगा एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको अपने घर में रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें घर में मसाले हैं या मक्का ज्वार का आप आटा पीसना चाहते हैं या आयुर्वेदिक दवाई बनाने के शौकीन है, आप आयुर्वेदिक दवाई पीसना चाहते तो एक बार आइए जानकारी लीजिए। आटा चक्की लेने से पहले मैं कहूंगा बसंत सेल्स कारपोरेशन के शोरूम में आइए, छती नंबर 3 पर। और पुरानी एक्सचेंज भी करना है किसी के पास, एक्सचेंज स्कीम भी है ना सर अपने पास, तो अगर आपके पास कोई पुरानी आटा चक्की है मॉडल उसका पड़ा हुआ है ले आइए, एक्सचेंज करके नई ले जाइए, छती नंबर 3 पर। शहर में इनका है ना संजय कॉम्प्लेक्स में बसंत सेल्स कारपोरेशन, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेला छती नंबर 3 बसंत सेल्स कारपोरेशन का नटराज आटा चक्की का ये शोरूम बोल्टास के साथ। और ये है दोस्तों, ये अमेरिकन सॉफ्टी है ये अमेरिकन सॉफ्टी है दोस्तों, ये इस बार आपको सिर्फ मिलेगी यहाँ बाबा सूप पर। अमेरिकन सॉफ्टी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है साहब, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हम कोई चीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, पूर माल जनता को खिला रहे हैं। और वही हाल है हमारे सूप का भी, सूप की चीटिंग भी नहीं हो रही है और सूप की तारीफ तो इतनी हो रही है कि एक बार लोग आते हैं तो बार बार फिर चले आते हैं। फैमिलियों को ये डिस्काउंट दे रहे हैं, आप ध्यान रखना अगर आपकी फैमिली आ रही है और बाबा सूप पर आकर आपने ऐसा 10 गिलास लिए हैं तो आपके लिए हो सकता है 1 गिलास कॉम्प्लीमेंट्री फ्री हो जाए। आपको इतना भर कहना है ना इनसे एमआईएस आओ मेला चले देख कर आए। हमारे जो दर्शक हैं और ग्वालियर वासी हैं जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आ रहे हैं वो कहते हम टीवी पे देख रहे हैं भैया, और जगह जगह बच्चों को उंगली पकड़ के खींच के ला रहे हैं। आप भी अगर देखिए सूप पीने के शौकीन है और सूप ऐसा जिसमें मसाले का जायका हो, मतलब आपकी भूख को खोल दे या साथ में आपका सॉफ्टी खाने से मतलब बोलते ना खराब हो जाता है गला, तो गला खराब नहीं होगा क्योंकि यह इनके प्योर दूध की सॉफ्टी है बाबा सूप। ये छठी नंबर 3 पर वर्षों वर्ष पुराना ये बाबा सूप कॉर्नर, सूप और सॉफ्टी और साथ में नूडल्स के साथ। क्या नाम है चाचा? मेरा साहब NR मानकेरे ब्रैकेट में सूतकार। अच्छा हाँ। ये वैसे फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट मतलब बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं और कई जगह ये सम्मानित भी हो चुके हैं। चलिए आज कुछ आपकी बांसुरी हम भी अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे। बड़ी देर भई नंद नहीं फरमाइश मेरी दर्शकों की तरफ से बांसुरी पे अगर वो आ जाए परफेक्ट। आइए चालू करिए, देखिए साहब चालू कर दीजिए थोड़ा सा और ऊंचे कीजिए, माइक में ले लूंगा। Oh, my God.
बहुत शानदार। इसके बाद कोई और जो आप सबसे अच्छी आपके मन को लगती है? जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। 26 की तैयारियाँ है। देखिए साहब, ये बहुत लोकप्रिय राष्ट्रगीत है अपना। अपने राष्ट्रीय गीत नहीं है ये। वो है अपना, ये गीत है देश का, लेकिन राष्ट्रीय नहीं। तो जनगणमन। देखिए साहब, रफी साहब ने बड़े गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परमा तस्मय श्री गुरुवे नहा। रफी साहब ने इसको बड़ी ऊंची आवाज से शुरू की है। सुनिए साहब, एक तो साहब जी आपका बहुत कोई बात नहीं है, मेरी आवाज सही आएगी। शानदार है, बहुत शानदार है। एक बार एक मिनट भाई जी, मेरे पास समय उतना ही रहता है। एक अंतरा जहाँ डाल देखिए, अगर आपको इनकी बांसुरी अच्छी लगी हो तो घर बैठ के भी एक बार तालियां बजा दीजिए। यहाँ तो आपको तालियां मिलेंगी। इस उम्र में आप जो बांसुरी बजा रहे हैं, घर पे भी तालियां बनती हैं। उम्र दराज, उम्र इतनी उम्र के बावजूद बहुत शानदार बांसुरी। तो चांदनी। अच्छा, चांदनी नाम है आपका? ये किसने रखा था नाम? मम्मी ने रखा होगा। मम्मी ने की पापा ने? पता नहीं, आपको नहीं मालूम। चलिए आराम से। क्या सुना? शायरियाँ। शायरी सुनाएंगे आप? कितनी? 5-6 तो आती है। 5-6 आती है आपको? हाँ। तो शायरी के लिए मेरे पास एक और है, मैं उनके साथ में आपकी शायरी अभी कवर करता हूँ, ठीक है ना? बदतमीजी नहीं करना, नहीं मैं आज पोल खोल दूंगा तुम्हारी। पोल खोल दूंगा मैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रवि। क्या नाम है? सुरभि। अच्छा, और आपका? संध्या। आपकी कौन है ये? सिस्टर। सिस्टर है आपकी? ये आपकी कौन है? सिस्टर। छोटी बड़ी कौन है? ये छोटी है, आप बड़ी हो? ये बड़ी है। अच्छा, ये मतलब ये छोटी है, आप बड़ी हो? नहीं, ये बड़ी है, छोटी है। ये कैसे आप प्रूव करोगे ये बड़ी है? प्रूव करो ये बड़ी है। नहीं कर सकते। चलिए, क्या सुना रहे हैं आप? लोकगीत है, देवी गीत है। सुना, जोर से सुनाइए। मेरे जगह आवाज तो आया, मनी मन में नहीं, माइक तो मेरा कवर कर लेता, मेरे को तो सुनने में आए। सुनाइए। पवन तेरा प्यार सारी कैसे सुंदरी सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। पवन तेरा प्यार न छूटे कभी गरीदार, न छूटे माती मैया की बेंदी सोवे, माती मैया की बेंदी सोवे, बेंदा प्यार माल। पवन तेरा प्यार न छूटे कभी गरीदार, न छूटे सरगे से सुंदरी सपनों से प्यारा है माँ का दरबार। पवन तेरा प्यार न छूटे कभी गरीदार, न छूटे। बहुत शानदार है। अभी देखिए भौजी तो शर्मा गई है, भौजी शर्मा गई है ना? एक अभी शादी हुई है? नहीं नहीं, कहाँ रहते हो? जोर से बोलो। जी आर पी पुलिस लाइन। शायरी सुना रहे थे ना?
अब आपको टक्कर देने के लिए एक और आ गई है भाभी जी। अब आप शायरी चालू करिए। काश खुशियों की कोई दुकान होती, हमें भी उसकी कोई पहचान होती, भर देते आपके दामन को खुशियों से, चाहे कीमत उसकी हमारी जान होती। अगर चांद पे नूर ना होता, दिल इतना मगरूर ना होता, और माँ कसम गुड्डू भैया रोज मिलने आपसे आती, काश यूपी दूर ना होता। नसीबों के खेल भी अजीब होते हैं, चाहने वालों को ही आंसू नसीब होते हैं, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर बिछड़ जाते हैं वही जो दिल के सबसे करीब होते हैं। हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, और दोस्त बनाना सोच समझ के, क्योंकि हर दोस्त वफादार नहीं होता। जब आधी रात में चहन दुहाई देगा तो ख्वाबों में आपका चेहरा दिखाई देगा, ये मोहब्बत है जरा सोच के करने, एक भी आंसू गिरा तो सुनाई देगा। बहुत शानदार। हरे कांच का बंगला है, पत्थर कैसे मारूं, तू बड़े बाप का बेटा तुझ पे लाइन कैसे मारूं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, जिंदगी की राह में मिलते हैं हजारों लोग, लेकिन हर कोई आपसा अनमोल नहीं होता। शानदार। असीमों की कमर क्यों पतली बनाई, ए खुदा तेरे घर मिट्टी कम पड़ी के तूने रिश्वत खाई। नहीं मेरे घर मिट्टी कम पड़ी, नहीं मैंने रिश्वत खाई, असीमों की कमर की मट्टी सीने से लगाई, इसीलिए असीमों की कमर पतली बनाई। चलिए, वेरी गुड। दुनिया की ना परवाह कीजिए, जब जी चाहे बुला लीजिए, हम ज्यादा दूर नहीं आपसे, बस अपनी नजरों को पलकों से मिला लीजिए। और भी? हाँ, वो तो जवाब दो ना उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल दूंगे बिल्कुल दूंगे। पानी में पत्थर गुड्डू भैया मत मारो, क्योंकि इसे भी कोई पीता होगा। पुरानी हो गई है, इसके अलावा भी कोई पीता होगा। एक मिनट, पुरानी तरफ मुड़ के देखिए, आपके लिए भी कहीं कोई जीता होगा। कहो उसी से जो ना कहे किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, प्यार करो उसी से जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। प्यार करना है चोरे में है, सारे तो क्या रखा है, मेला घुमाना है तो साथ लेके चल, किनारों में क्या रखा है। ये तो थोड़ी बच्चों वाली चाय चालू कर दी आपने अब तो। हाँ, नहीं नहीं, ये बच्चों वाली। चांद डूब सकता है पर तारे नहीं, फूल गिर सकते हैं पर खुशबू नहीं, नदी सूख सकती पर समुंदर नहीं, आपको दुनिया भूल सकती पर हम नहीं। हवा चलने से पत्ते टूट जाते हैं, और आपको नए दोस्त मिल जाते हैं, क्या हम जैसे पुराने छूट जाते हैं। शानदार है। खुदा ने जब तुझे बनाया होगा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुरूर भी छाया होगा, सोचा होगा उसने, भूल गए कोई बात नहीं है। मंदिर जाने से पहले फूल चढ़ा देना, और मेरा फोन उठाने से पहले तू मुस्कुरा देना। हाँ, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? आशा शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यूपी से आती हूँ, यहाँ मेरा मायका है, मैं मेला देखने हर साल आती हूँ। मुझे लगता है पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया है, जहाँ तक मुझे याद है। किया है, किया है। उंगली आपस में बताएं बहन मेरी क्यों इठलाती है, इस गाने पे था। हाँ, 6-7 साल हो गए जी। 6 साल, 6 साल हो गए मेरे को जी। हल्का हल्का पंच कर रहा था जी। क्या है उसकी, आपकी शायरियों के चक्कर में नींद भाग गई। चलिए, क्या नाम है आपका? चंचल बातम। क्या सुना रहे हो? यीशु है कैसा कुमार भैया गाना। यीशु है कैसा कुमार भैया, गोरा गोरा बनाया काला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, लंबा बनाया नाटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बना। यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। हो गया जी। पिंकी बात हम। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हजीरा पे। हजीरा रहते हैं तो आपका ब्यूटी पार्लर है क्या? ना। अच्छा, पूछ रहा था मैं तो। हाँ, लेकिन सीखा है शादी से पहले करते थे। शादी से पहले आपने कोर्स सीखा है? हाँ, अच्छा, करते थे शादी के बाद। समझ तो आप गए हो गए। क्या सुना रहे? लगता है नहीं कुछ नहीं, ये बोलो। अच्छा, दादरे लोकगीत। अगर दादरे लोकगीत है सुना दीजिए। जो गनिया बन के निकल जाऊंगी सांस तेरे बोलने पे, होए जो गनिया बन निकल जाऊंगी सांस तेरे बोलने पे, धूम मचाने सासों प्यासी चली जाऊंगी, धूम मचाने सासों प्यासी चली जाऊंगी, तेरे छोरा पे तेरे छोरा पे बोतल मंगाए लूंगी सांस बोलने पे, धूम मचाने सासों भूखे चली जाऊंगी। अरे मन कर रहा है तो कर लो ना, नाच क्या कर लो। तेरे छोरा पे तेरे छोरा पे पूरी मंगाए लूंगी सास तेरे बोलने पे, होए तेरे सो छोरा पे बर्फी मंगाए लूंगी सास तेरे बोलने पे। वेरी गुड। और क्या है? सासुल बेटा बेटा मत कर, ये तो हस्बैंड मेरा है। सासुल बेटा बेटा मत कर, ये तो हस्बैंड मेरा है, जब ये दूध पीता है तो ये बेटा तेरा है,
लिमका कोको कोला पीता हस्बैंड मेरा है, सासुल बेटा बेटा मत कर ये तो हस्बैंड तेरा है, जब तक उंगली पकड़ के चलता है तो बेटा तेरा है, जब ये पल्लू मेरा पकड़ के चलता हस्बैंड मेरा है, सासुल बेटा बेटा मत कर ये तो हस्बैंड मेरा है। बहुत शानदार सुना है, लेकिन एक गलती हो गई, मैं कंफ्यूज था कि आप सच में आप सुना सकती हो कि नहीं, इसलिए मैं आपको ट्राई पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन इस बार मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैंने पब्लिकली आपको चालू करवाया। अगर आप बोलो तो मैं कैमरा चालू करवा के दोबारा ले लूं। नहीं, अब आप दोबारा गा सकते हो यही, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वैसे मुझे आदत भी आ चुकी है। नहीं, चालू है कैमरा, लेकिन चालू है कैमरा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो भी गाया मैंने बहुत गलत गाया है, जिस सासुल के ऊपर गाया, जो सासु मेरी ऐसी है नहीं है, मेरी सासुल एकलौती है, लाखों में बहुत अच्छी है, एकलौती मैं उनकी बहू हूँ, वो मेरी एकलौती सासु है। बिल्कुल नहीं, 10 साल होने को आए शादी को, अभी तो छू करके नहीं बोला मेरे से। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? कुछ भी नहीं, एकलौते अकेले, हमारे 2 बेटे बस। अच्छा, 2 बेटे हैं आपके? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, सासुल अकेली है, उनका बहुत प्यार है ना, सभी की सासुल अकेली होती है, किसकी चाचर होती है, किसी के घर में किसकी चाचर होती है, क्या किसी की, अब सबकी एक ही होती है सासु, आपकी कितनी है? एक। और आपकी? मेरी एक ही सासु, एक ही। अरे सब एक ही है, एक मिनट तो, सबके घर में भाई बहन होते हैं ना, मेरे घर में कोई नहीं है ना, इसलिए लड़की भाई बहन जेठ देवरानी कोई भी नहीं है। अरे वाह, मतलब सबसे ज्यादा प्यार है मेरे लिए, मेरी माँ से भी प्यार है। मैंने आपसे ये सारी बातें पूछी नहीं है, 2 बच्चे आपके? हाँ, 2 बेटे। शादी आपकी हो चुकी है? हाँ, क्यों नहीं, वेरी गुड। क्या नाम है बेटे? ध्रुव सक्सेना। क्या सुनाओगे आप? शायरियाँ। हाँ, दो भरा के। तुम दूध और खीर की बात करते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, तुम दूध और खीर की बात करते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, कश्मीर की तरफ नजर भी उठाया तो पूरा लाहौर छीन लेंगे। चलिए, और हम और तुम हिंदू मुसलमान के फर्क में मर रहे हैं, हम और तुम हिंदू मुसलमान के फर्क में मर रहे हैं, सरहित कुछ लोग सरहित की बर्फ में हमारे लिए मर रहे हैं। और नींद उड़ गया ये सोचकर क्या किया हमने देश के लिए, नींद उड़ गया ये सोचकर क्या किया हमने देश के लिए, परफेक्ट एकदम होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? विवेक। आज हुआ क्या है, आज मैं बताता हूँ आपको, आज ये बाबू जब क्या है, सोने दो भाई साहब, सो नहीं पाया हूँ मैं। नहीं तो मैं सो तो तुम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तो कर लेने दो, तुम करते हो मैं कुछ बोलता हूँ, आज मुझे कर लेने दो। आज हुआ क्या है, चलो क्या सुनाओगे? मिमिक्री। कितने हीरो हैं? 3 सिंगरों की। 3 सिंगरों की। हाँ, चलिए पहली है कुमार सानू की, जाए जाए जा, कोई बात नहीं है, इसके बाद नहीं, कुमार सानू की है। हाँ, सांसों की जरूरत है कैसे, सांसों की। इसके बाद कौन से हैं? केलास कह रहे। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा जोड़ ना पाया, छूटा ऐसे छूटा जोड़ ना पाया। वेरी गुड। और सर आपने 3 सिंगर बोले ना। हाँ। एक तो आपने गलत गाया, अनु मलिक। हाँ, जाए जाए एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। वाइब्रेशन क्यों हो रहा है आप में? ऐसे तो वाइब्रेशन हो रहा है आप में, तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ये, ऐसे ऐसे तो आराम से, अगर आप कूल। आज हुआ क्या है, सुबेरे जब बाबू उठा तो बहुत देर से परेशान था ये, मैं आपको बता रहा हूँ, और नॉक कर रहा था किवाड़ पे, खोलो बोलू है? जा रहा हूँ। चाची एक मिनट। हाँ बेटे, आपके पास क्या है? चार मिमिक्री। कितने हीरो हैं? 15 या 16 हैं। अरे हाँ, आज छोटा सा मेरा ये दोस्त आया, दोस्त हो ना मेरे? हाँ, इतने बड़े बड़े सब मेरे दोस्त हैं। हाँ, इससे छोटे भी दोस्त हैं, और जो गोदी में मम्मा पापा के साथ घूमते हैं वो भी दोस्त हैं। पहले तो आपने शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए, वेरी गुड। चार मिठन चक्रवर्ती।
निकाले जितना जोर तेरी तद्दीन में दुबन को रोकना हमारी पितर में वेरी गुड आपने चाहे देवन हम तो कब से अपनी दाते फिर लिए घूम रहे हैं कम बक कोई लेता है नहीं हमको तो अपना लोटा गेरों का नमता हमारी गत्ती बात हुई का पानी कमता अरे वाह शानदार आइए देवन हाँ आपने चुनी चेट्टी हाँ तो आलो तो बहुत देखा तब जो प्यार पाव आलो ना ऐ तो जो वाले पहली बार देवन आओ चलिए वेरी गुड सामने देवन मोहब्बत का नाम आज भी मात है और ये ना कही अली है ना कही अली चवात 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 वेरी गुड बहुत शानदार और आपने चनी देवन हाँ चला मत नहीं तो एक है जाइना पता पकड़ दूंगा ना तारी ना सुनवाई इधर इंचा होगा वो भी धावर दो वेरी गुड हाँ सब ने वो चुनाव मेरा ना वे जी चुनाव वो पाली तो नहीं है बता रही है मैं आई मैं मिचोता हुआ ची है उंगली मट्टी चंकिया तो ची पाए कर देगा वेरी गुड जगदीप साहब थे ये नहीं चार असरानी नहीं चल वो चुनाव वो पाली ये शुरू वो पाली असरानी साहब थे ना जगदीप साहब थे चलिए इसके बाद चल हमने ओम प्रकाश चल मने जब नहीं जो लगा होगा वही होगा ना दंडी में लगा होगा वेरी गुड चल हमने ये बाग अरे ये चाप की दुनिया किचे खत्म अरे दुनिया वैसे हम वेरी गुड अच्छा हाँ अच्छा है बच्चा है चार अब ना तुझे बयान पढ़ा चुके मामला अच्छा है अच्छा बच्चा है चलो अभी डाल पढ़ा तालो मार रहा जा रहा कर देना अरे हमने जब अल्लाह पढ़ा रहा तालो में तेरी जब तो तालो कर गई करो चलिए वेरी गुड और गुलजान कर लात बात अगर ना लात आके जवान चाहते बाद मन मक्कचन कपड़े ने बल गंटे नहीं खड़ी हैं इनके उसकी नींद भाग गई उसके बाद इतला के मैं नहीं आया हूँ बल्कि दार बंदा चीर कान का नहीं जानता अच्छा और राजपा बंदे ना थो थाय की धार चलता है हाँ होलियों की बचा है जी बंदा चलता है तो पैवा ढिगार जी वेरी गुड और कौन से नहीं सर हो गए देखो ताली मिलेगी यहाँ पे आपको हाँ घर बैठ के छोटे से बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए घर बैठ के ये छोटा जरूर है थोड़ा सा इससे बड़े फारूक अहमद सिद्दीकी साहब थे 1999 में मेरे कार्यक्रम में जब वो जुड़े थे बिल्कुल कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस उनका था लेकिन वो तो आज 100% यहाँ ग्वालियर में कलाकार है बहुत शानदार है आज हुआ ये बाबू घर में जो बैठा हुआ था 10 मिनट से लगा था घर की नॉक करने जब पूरी पेंट वेंट इनकी खराब हो गई ना उसके बाद देखा चटकनी तो बाहर से ही बंद थी के लिए MIS रख लीजिए एक MIS मेट्रो पॉलिश इंटरनेशनल स्कूल से रखते जाइए एक आपके लिए भी है एक आपके लिए भी है MIS रखो बेटे एक आपके लिए है आपके लिए भी है ये कहाँ पर MIS सिबलिंग रोड पे और क्या खासियत है इसमें घोड़े की सवारी भी है और इसमें स्विमिंग पूल भी है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाती है 10th तक हो गया ये 8th तक का चलिए वेरी गुड और CBSE नंबर कितना है इनका 10 30 900 कितना है 10 30 9 3 सेवन है ना 10 39 3 7 एक आपके लिए रख लो MIS से है एक आपके लिए भी है MIS से एक आपके लिए MIS से आपके लिए भाऊजी रीडा शूज से रखिए एक आपके लिए भी है एक आपके लिए रीडा से आपके लिए है एक आपके लिए रीडा से एक आपके लिए शूज पहनते हो स्पोर्ट्स शू रीडास के पहने आपने नहीं कभी नहीं पहने आपने पहने रीडास के नहीं अभी नहीं पहने कभी नहीं पहने पहने तो अभी तो लेके आया हूँ अच्छा नहीं आप तो आप पहनते हो रीडास के नहीं लिए वैसे मिलता कहाँ है रीडास शूज हर शॉप पे हर शॉप पे हर शॉप पे और ये शिफ्ट भी फुट भी है तो भी हो जा रही एक आपके लिए है आपके लिए भी है रीडास शूज से एक आपके लिए यस मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल स्कूल बताओ बेटे चल ये चिपी रोड पर है और ये मेट्रो इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल में बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधा है बहुत सारी एक्टिविटी है वेरी गुड और आपने अभी नंबर ही बताया था एक आपके लिए MIS से बड़ा था गालब चक्की ब्रश आटा खासियत ये कार्बन और फाइबर होता है जो बच्चे खाना नहीं खाते वो भी खाना खाने लगते हैं और इससे बच्चों को ताकत मिलती है और इसकी रोटियां भी काफी सॉफ्ट बनती हैं और ये हर दुकान पर हर जगह मिलता है जो बच्चों की मेमोरी भी तेज होती है इससे खाने से वेरी गुड एक आपने पहली बार बता दिया है रख लीजिए गालब चक्की ब्रश आटा था प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा जी बिल्कुल पद्मश्री चाय कहां मिलती है ये किसी भी दुकान पे छोटी दुकान बड़ी दुकान कहीं भी जाइए इसमें क्या है कोई करवाहट नहीं है मिठास है चाय में पीने से अच्छी लगती है ये टेस्टी भी है चाय में स्ट्रांगनेस है स्ट्रॉन्ग है ये तो घर पे कहीं भी ले लो आम दुकानों पे भी मिल जाती है वैसे तो। नए बाजार में तो इसका है गोदाम गोदाम नहीं है RIT कंपनी नया बाजार
शॉप है, वहाँ 200 तरीके की चाय और उपलब्ध है। एक आपके लिए रख लीजिए, पद्मश्री चाय। बता दीजिए कहाँ पर बिंदल बेसन फल मुराद गलम सड़क पे गर्ल्स कॉलेज के सामने, बहुत अच्छा शोरूम है, 3 मंजिल का है, एक पे लेडीज हो, एक पे बच्चों का, एक पे जेंट्स हो का, बहुत अच्छा है, हमने देखा है, हम उधर ही रहते काफी। देखा है आपने, एक आपके लिए रख लीजिए बिंदल फैशन फर्नीचर से। ये कौन सा पोहा है? ये चावल वाला पोहा है। कौन सा पोहा? पढ़ के भी नहीं बता पा रहे। ये ताजमहल है जी, दाल बाजार में हरू बाबू कहाँ पे मिलता है? हरी बाबू जी दाल बाजार, उनके यहाँ मिलता है। 1 किलो का एक आपके लिए ये पैक है। जल्दी से भोगराई नमकीन। हजीरा इंडेक के सामने 150 प्रकार के नमकीन मिलते हैं। जो पब्लिक में हाथ उठा देगा भोगराई नमकीन के लिए, जो पब्लिक में, इधर बताइए। हजीरा और पूरा पिंटू पार्क, और बताओ। हजीरा इंटेक्स के सामने और पिंटू पार्क पर भी मिलता है और कुमारपुरा पर भी मिलता है। कुमारपुरा नहीं, पूरा बताओ ना कहाँ मिलता है, बताइए। मुरार पिंटू पार्क और थाटीपुर। मुरार पिंटू पार्क और नहीं बताइए। हजीरा थाटीपुर पिंटू पार्क। आप पहले भी ले आ चुके हो पैकेट? नहीं, पहली बार ले आओगे। रख लो, एक आपके लिए है। एक और ताजमहल पोहा से एक आपके लिए। क्या कर रहे हैं ये, कहाँ से आए हो? झांसी सर। झांसी सर? तो झांसी में ऐसे ही करते क्या सब? नहीं, तुम ऐसे ही खेच रहे, बाकी शांत खड़े तुम अकेले खेच रहे। एक आपके लिए है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, एक आपके लिए और एक आपके लिए और है मेरे पास यहाँ पर पद्मश्री चाय से। एक एक आपके लिए और है, रखते जाओ बेटे, आपके लिए है, आपके लिए है पद्मश्री चाय से, एक आपके आपके लिए, एक आपके लिए भी, आपको तो कॉम्बो पैक मिला है। एक एक आपके लिए है चाचा, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से और है, एक एक और है मेरे पास चीन से, एक एक आपके लिए और है। सॉरी, हजीरा इंटक के सामने थाटीपुर बसंत टॉकीज और पिंटो पार्क, एक एक आपके लिए, भोगराई नमकीन से एक आपके लिए है और एक आपके लिए भी है। एक एक और है विंदल फैशन फैमिली कलेक्शन गरम सड़क मुरार से, एक आपके लिए, आपके लिए। क्या कर रहे हैं साहब? दीजिए साहब, और क्या दीजिए बताइए। आप जो जो गिफ्ट दे रहे हैं वो? ये मैं, आप बाकी लोग शांत खड़े हो, बाबूजी जिन्होंने किया है उनको दे रहा हूँ। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है। बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन कहाँ पर? मुरार। मुरार मुरार क्या क्या है? और अरे महिलाओं का मैं ये बोल सकता हूँ, ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा शोरूम है। आप जाके देखिए, मेरी गारंटी है आपके लिए, एक आपके लिए। चलते जाइए, ये भागीरथ प्लाजा 36 नंबर, कितने पर भागीरथ प्लाजा? 8 पर। क्या है क्या इनके सारी अलमारियों की वैरायटी है? सिंपनेच कूलर है? नहीं, भागीरथ प्लाजा पे सोफे फर्नीचर वगैरह है। और शादी का पैकेज? शादी का पैकेज 21,000 से। और सबसे पहले ग्राहक को क्या देते हैं? जूसर में जूसर मिक्सर, जो सबसे पहला ग्राहक होता है। एक आपके लिए, आपके लिए भी है भागीरथ प्लाजा से, एक आपके लिए और एक आपके लिए और है अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है अग्रवाल फोटो फ्रेम से, आपके आपके लिए है, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है, एक एक और है मेरे पास। फाइन आर्ट स्टूडियो नहीं जरा नहीं सर, कितने साल पुराना है? 52 साल। और क्या खासियत? उनके बाल आ जाते हैं, उसकी शादी नहीं होती, उसकी शादी हो जाती है। मेरे आ जाएंगे ना तो ठीक है। एक एक आपके लिए है, रखो फाइन आर्ट स्टूडियो से, एक आपके लिए, आपके एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क हरी निर्मल टॉकेज के पास से, एक आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए है, एक आपके लिए। वैसे किसके साथ मेला घूमने आए हो? सासू माँ के साथ। सासू माँ के साथ और भैया देवर साहब? देवर के साथ। खच्चा बच्चा कराया देवर का? नहीं कराया, कराया है तो ठीक है। एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो से, सालों का विश्वास। एक एक आपके लिए रख लीजिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से, एक आपके लिए और है मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ये चॉकलेट, रखते जाइए आपके लिए, आपके लिए भी है, आपके लिए है, एक आपके लिए, आपके लिए गोल्डन लाइफ से, एक आपके ये ताजमहल पोहा से, एक आपके आपके लिए और एक आपके लिए। आपने यार दिल खुश किया है, छोटे कलाकार हो लेकिन और मेहनत करोगे सक्सेस हो जाओगे। आपके लिए वेलकम बेकरी से पिज्जा का कूपन, कहाँ पर है ये? चल जे ओल्ड हाई कोर्ट। और केक के स्पेशलिस्ट है ये तो, 5-5, 6-6 मंजिल का केक तैयार कर देते हैं। और जितने ये नाम वाले आते हैं ना पिज्जा, इनका पिज्जा खा के देखना, वो नाम और विज्ञापन वाले पिज्जा भूल जाओगे।
एक आपके लिए वेलकम बेकरी से स्पेशल, और एक और देता हूँ फिर आपको मैं 2000 रुपये और। हाँ आज आपने खुश किया, 2000 रुपये बॉम्बे नॉवल्टी की पहले से रखते जाइए, ये 2000 रुपये आपके लिए खरीदारी करना आप जम के, ठीक है। एक आपके लिए, आपको 2000 रुपये दिए दे बंदे, दिए आपको कि नहीं दिए? दिए दिए, कहा है दिखाओ, खा विद्यारानी के साथ दिए, देखो कैसे शर्माई है भाजी। आपके लिए रख लो बॉम्बे नॉवल्टी की पहले से, एक आपके लिए, आपके लिए चाचा एक आपके लिए। क्या नाम है साहब? एम एम सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मराज। एक आपके लिए रख लीजिए, प्रोग्राम देख रहे हैं घर पे, प्रोग्राम देखते हैं, एक आपके लिए रख लीजिए। टेबल पर नहीं आ रहा है श्री, आज से है डैन आ रहा है आपका? हाँ। चालू हो गया है डैन पे आज से, मेरे पास खबर आ गई है। अच्छा। चालू हो चुका है। नाम क्या है? राम सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मोती हिल। प्रोग्राम देख रहे हैं मेले वाला हमारा? आपको तो मैं सालों से। एक आपके लिए पद्मश्री चाय से आज आपको भी आने का मौका मिल गया। बहुत बहुत। इधर क्या नाम है आपका? नरेंद्र रावत। कहाँ रहते हैं? एक आपके लिए रख लीजिए पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए भी है। अंकल जी क्या नाम है आपका? हमारा विजय सिंह परमार। आपके लिए रख लीजिए बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से आपके। दोस्तों यहाँ विशाल सेल्स के स्लिप बेल मैट्रेस शोरूम के अंदर पूछूंगा कि स्लिप बेल बेटर क्यों माना जाता है अदर कंपनी के मुकाबले? सर क्वालिटी, स्लिप बेल क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देती है अदर कंपनी के अपेक्षा। सर जैसे क्वालिटी की अगर मैं बात करूं? जी सर। सर क्वालिटी में सर हमारे पास काफी क्वालिटीज हैं। माय मैट्रेस रेंज निकाली है स्लिप बेल ने। जी सर। में क्या है माय मैट्रेस में? सर अलग अलग रेंजेस हैं सर, जैसे कि माय मैट्रेस में हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा, जैसे एक्टिवा एडमायर इंस्पायर करके पूरा। क्या काम करते हैं तीनों? जी सर, जैसे किसी को तीन फील की ज़रूरत होती है, हर कस्टमर अपनी एक फील लेके आता है कि हमें इस फील का चाहिए, सॉफ्ट टेक सपोर्ट टेक फर्म टेक, तीनों फील मिलती है इसमें सर। मतलब किसी को हार्ड चाहिए, किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को मीडियम चाहिए, या किसी को मीडियम चाहिए? हाँ सर, तो वो तीनों फील हम उसमें देते हैं सर। तीनों फील आप उसमें दे रहे हैं, ये शायद किसी और कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में ये चीज नहीं है सर, नहीं आती है। साथ में 6x6 का भी अपने गद्दा है सर? 6x6 का भी गद्दा है अपना, और जिस भी गद्दे में आप देखेंगे सर तो उसमें हम आपको अवेलेबल करा देंगे 6x6 का पूरा गद्दा। मतलब 6x6 का, सपोज देयर किसी ने स्प्रिंग वाला अगर कोई गद्दा लिया है, तो अगर 3x6 का उन्हें पसंद आ रहा है तो 3x6 में, और वो अगर उन्हें 6x6 में चाहिए तो सर वो 6x6 में भी हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। जी सर। अच्छा सपोज देयर किसी का आजकल जो बेड बन रहे हैं, आदमी अपने अकॉर्डिंग बनवा लेता है, वो और साइज हो जाता है सर, सपोज 4x7 का उसने जैसे किसी ने बेड बनवा लिया और उसको एक स्लिम अगर 4x7 का उसको गद्दा चाहिए जी, तो क्या आप तैयार करा देते हैं? बिल्कुल सर, एक हफ्ते के अंदर हम उसको जैसे ही भी कस्टमर की वो है रिक्वायरमेंट, कस्टमर की नीड जैसे नीड कंप्लीट करते हैं सर। ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। देखिए घर के अंदर आपने नया फर्नीचर बनाया है और अगर आपने कोई ऐसा बेड उसके अंदर तैयार करा लिया है उसका और साइज है, जैसे सपोज 3x4.5 या 4x6.5 उल्टा सीधा कोई भी साइज, और उस उल्टे सीधे साइज में भी आप चाहते हैं कि आपका जो बेड है उस पर गद्दा एक सा हो जाए, तो ये कंपनी तैयार आप? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल 100%। आपको केवल इतना करना है, विशाल सेल्स यानी विशाल विंडो कूलर, इनका शहर में है ना हरिप्रिया कॉम्प्लेक्स में, विशाल विंडो कूलर के ठीक सामने शोरूम बना हुआ है कंपनी का, वहां आना है। अगर आप ग्वालियर व्यापार मेले में आते हैं यहाँ इनको ऑर्डर दे जाते हैं तो आप यहाँ भी वो ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे 100% सर, बिल्कुल। और मतलब हार्ड सॉफ्ट या फिर ये स्प्रिंग वाले गद्दे जो आपने देखे होंगे लग्जरी होटल्स के अंदर, वो यहाँ मौजूद है, वैसा आपके यहाँ भी तैयार हो जाएगा। विशाल सेल्स का शोरूम ग्वालियर व्यापार मेले में है, छती नंबर एक, और अभी हर मैट्रेस पर 2 पिलो की स्कीम चल रही है। जी सर बिल्कुल, हर मैट्रेस पर 2 पिलो और होम डिलीवरी फ्री सर। तो आ जाइए छती नंबर एक पर, मिलेगा आपको विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमारी का, अलमारी के बिल्कुल साथ में कंपनी का ये स्लिप बेल मैट्रेस का शोरूम। चलते हैं यहाँ से सीधे शंकर सेल्स फिलिप्स के शोरूम के अंदर छती नंबर 2 पर। आज जानकारी लेते हैं, गीजर है ये? यस सर। मतलब कितने यहाँ? तो बहुत सारे लगे हुए हैं। स्पेयर हॉट है, वी गार्ड है मेरे पास, और गैस गीजर भी है मेरे पास। गैस गीजर भी है अपने पास? हाँ। मैं ये पूछूंगा कि बिजली की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल ठीक है ना, बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो ये लगभग, अगर ये मैं ऐसा पूछूं, 10 लीटर पानी गर्म करने के लिए आपके पास जो गीजर है वो लगभग कितना यूनिट ले लेता है 10 लीटर पानी? ये 2 किलोवाट रहते हैं, जो स्टोरेज गीजर रहते हैं 2 किलोवाट रहते हैं, बट 5 स्टार रेटिंग में है। 5 स्टार रेटिंग होने की वजह से बिजली जल्दी पानी गर्म करते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर पानी गर्म कर देते हैं और कट ऑफ हो जाते हैं, अपने आप कट ऑफ हो जाते हैं। अगर अपन
बात करें बिजली कंजेक्शन की, तो 10 मिनट अगर 10 लीटर को अपन 6 बार यूज करेंगे तब जाके एक यूनिट लेगा और 60 लीटर पानी आपका गर्म मिलेगा। मतलब एक एक माह महज एक यूनिट में 60 लीटर पानी, 60 लीटर पानी गर्म होगा और 75 डिग्री तक गर्म होगा, 75 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। और ग्लास लाइन टैंक है, एलिमेंट क्या है जो खारापन रहता है एलिमेंट के लिए और टैंक के लिए वो जमा नहीं होता है तो लॉन्ग लाइफ चलता है। अगर मैं मिक्सी की बात करूं, मिक्सी अपने यहाँ कितनी होंगी लगभग? मिक्सी अपने पास फिलिप्स है, स्पेयर हॉट है और सूर्या है, रेंज अपने पास बहुत है। फिलिप्स की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अप्लायंसेस के साथ और पर्सनल केयर भी आएगा। मतलब यहाँ ब्यूटी पार्लर और पर्सनल केयर, मतलब मेंस वुमेंस के भी आइटम है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे सभी कुछ है। मतलब ये बोला जाएगा कि ये फैमिली शोरूम बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं या पुरुष जो चीज इस्तेमाल करते हैं घर में सब कुछ यहाँ पे है। बिल्कुल सर बिल्कुल, और मिक्सियां भी बहुत है, आयरन भी बहुत है, आपने ऐसा बताया। मैं कहूंगा अगर आप ग्वालियर व्यापार मेला आ रहे हैं तो मिक्सी इनके जो है पत्थर भी पीसती है, मैं आपको बता दूं। साथ में आप देखेंगे सैंडविच मेकर और टोस्टर, ये भी इनके बहुत सारे उपलब्ध हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस बार लेना तो एक बार छतरी नंबर 2 पे शंकर सेल्स का ये शोरूम है, छतरी नंबर 2 पे एक बार आप इनके पंडाल में आइए, घूमिए, देखिए आपके मतलब का क्या है। और शंकर सेल्स पिछले कई वर्षों से आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार देता हुआ आया है, इस बार भी आपके लिए यहाँ पर यहाँ डिस्काउंट ऑफर आपके लिए और साथ में कुछ ना कुछ तो गिफ्ट अवेलेबल है ही है। ये वही शंकर सेल्स है जो जिंसी नाला नंबर 1 पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बना हुआ है। लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले में 5 से 7 शोरूमों के साथ यहाँ उपलब्ध है शंकर सेल्स। ये छतरी नंबर 2 पे मिलेगा शंकर सेल्स का मल्टी शोरूम फिलिप्स के साथ। चलते हैं दोस्तों यहाँ से बॉम्बे नोवेल्टी गिफ्ट पैलेस बलवीर भाई की शॉप पे। भाई क्या जानकारी आज हमारे दर्शकों तक? बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारी दिखा रहे हैं। एक तो काबा तो आपने देखा तो है ही। 5000 गाने लोड है, 1952 से लेके 2000 तक के सॉन्ग। कार सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम है, रिमोट सिस्टम है, 6 घंटे का बैकअप है और 5000 क्लासिकल सॉन्ग है इसके अंदर है। ये चार गीत को मोहम्मद रफी ने ही गाया था। सर जी मोबाइल के चार्ज से चार्ज होता है, छोटे से मोबाइल के चार्ज जी, और सेलेक्टेड उसमें 5000 गाने होते हैं 1952 से लेकर 2000 तक के। अगर किसी को चीज़ है, क्या उसके अलावा क्या जानकारी है? एक जो बहुत ही प्यारी सी टॉर्च चाहिए जो देख रहे हैं आप लोग, शानदार टॉर्च जो सोलर टॉर्च बोलते हैं इसको, ये सोलर की प्लेट लगी हुई इसके अंदर, सोलर प्लेट, इसको चार्ज करने के लिए उनकी धूप की किरणें या रोशनी से काम हो जाता है। इसके अंदर अगर लाइट चली जाए तो पूरे रूम के लिए, ऑफिस के लिए चाहो तो आप लाइट से भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो पावर बैंक का काम भी करती है। तो बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब 5 in 1 बहुत ही शानदार। एक जो ब्लूटूथ डिवाइस आई छोटी वाली, जिन कारों में घरों में होम थिएटर पुराने होते हैं, यू नो ब्लूटूथ सिस्टम नहीं होता है, डेस्क में स्टूडेंट में इस डिवाइस लगाने के बाद ब्लूटूथ बन जाता है, ये भी डिवाइस आई है। आप जो देख रहे हैं आपको कहीं भी कोई दर्द वगैरह पेन वगैरह होता है सिकाई के लिए, 6 घंटे का बैकअप होता है इसका, ये इसके अंदर लोशन होता है, बहुत शानदार आइटम है। और ये माइक आपने देख ही लिया है। आपके बीच हमारे बेहतरीन कलाकार भैया आ चुके हैं। दोस्तों मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास माइक खत्म हो जाते हैं, तुम बार बार दिखा देते हो फिर माइक शॉर्ट हो जाते हैं। नहीं, माइक बीच में शॉर्ट हो गए थे, आपने जो प्रोग्राम दिखाया अब दोबारा स्टॉक आ चुका है। तो मैं कहना चाहूंगा जो इतने सारे आइटम लगे हुए हैं टीवी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम जो देख रहे हैं सैलानी, कुछ ही दिन का मेला रह गया है और हमारा जो आइटम आते हैं वो सेलेक्टेड आइटम सभी सैलानी को ले आते हैं, खत्म हो जाते हैं बीच में, तो आप आए पाए प्राप्त करें, काफी अच्छे अच्छे आइटम है। बलवीर भाई हैं इनके यहाँ, तो देखिए मेला अधूरा है अगर आप इनके शॉप पर नहीं आते हैं। और कुछ नई चीजें ऐसी होती है जो केवल दिखाते ही बलवीर भाई है, जैसे कारवा, ये पहली बार अगर ये सुना, मैंने भी शायद ये कारवा पहली बार सुना था, बलवीर भाई ने ही यहाँ पे एचएमई कंपनी का है, ये बहुत शानदार चीज है, सच्ची में ये बहुत शानदार चीज है। इसका साउंड बहुत मीठा है, सबसे बड़ी बात साउंड मीठा है, साउंड बहुत मीठा है। और बच्चों को लुभा रहे हैं ये स्लाइम,
सिलाई बच्चों को बहुत खेल कर रही है। सिलाई ये 12 कलर सिलाई के बच्चों को बहुत लुभा रही है। करते क्या इससे? ये बच्चे इंजॉय करते खेलते हैं, इससे सिलाई बोलते हैं। तुम इसको सड़क भड़क पर फैला दोगे तो आदमी फंस के निकल जाएगा, समझ रहे हो क्या चीज है? तो हाँ देखिए, मैं कहूंगा 36 नंबर 10 पे बॉम्बे नोवेल्टी के पहले बलवीर भाई का शॉप है। वैसे इनका डीडी मॉल में अपना खुद का बेसमेंट में शॉप है, इसी नाम से बॉम्बे नोवेल्टी के पहले लेकर रहे और ग्वालियर व्यापार मेला आ रहा है। एक्सक्लूसिव चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो ये बता नहीं पाते, आप हो सकता है इनसे मांगे और इनके पास मिल जाए। 36 नंबर 10 पे मिलेगा आपको बॉम्बे नोवेल्टी, अपने बलवीर भाई की ये शॉप। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, और आज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सुपर वुमेन। देखते हैं शहर वर्ग की ये महिला है, सम्मानीय महिला है, किस तरीके से आज ये एंटरटेन कर रहे हैं खुद अपने आप को और आपको किस तरीके से ये करके दिखा रहे हैं। नाम और कहाँ से? पूजा शर्मा, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज। आपकी शादी हो गई है? पहले आप सुपर गर्ल खेलते थे, अब सुपर वुमेन खेलने आए। चलिए, दुर्गेश राठौर, गदाईपुरा, अपर्णा शर्मा, 12वीं, हेमा राठौर, औरंग नगर, पूनम मांझी, ग्वालियर, मछली मंडी। पूजा सिंह, नई दुनिया न्यूज पेपर, रजनी बातम, चंद्रनगर। अनीता अग्रवाल, विनयनगर। वेरी गुड। आपके पड़ोस में रहने आए, अभी नए किराए से रहने आए हैं, आप इनकी तारीफ करिए, आप कितना खुश हो गए इनसे, आप इनकी तारीफ करिए। पड़ोसी आपके? आप बहुत अच्छे पड़ोसी हो, आप हमारे, आप पड़ोसी मतलब इधर मोहल्ले में आए हो तो बच्चे भी तारीफ करते, वो आंटी कितनी अच्छी हैं, खाना कितना अच्छा बनाती हैं, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो, आना कभी आप हमारे घर। आएंगे ना, आप भी इनकी तारीफ कर दो, ये नए पड़ोसी बन गया है ना आपके यहाँ। आप भी बहुत अच्छी हो, आपके बारे में सब लोगों ने कहा है बहुत अच्छी है, इनके घर में जाइए, बहुत आपके बारे में बहुत लोगों ने तारीफ करी है सब, आप बहुत अच्छी हो। चलिए वेरी गुड, जरा इनकी तारीफ करिए नए पड़ोसी की। अरे आप तो बहुत अच्छे हो यार, और मोहल्ला वाले पड़ोस वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आप यार कि नहीं मेरे तो बच्चे जाके बोलते हैं मम्मा वहाँ पे आंटी आई है बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, बहुत अच्छी आई है, और बच्चे भी बहुत अच्छा अच्छा। आप हमारे पड़ोस में रहने आए हो, मुझे तो बहुत खुशी हुई, और ना क्या कहते हैं मेरे यहाँ पे मतलब बात करने के लिए भी कोई भी नहीं था, आप आए हमें बहुत खुशी हुई। बोर हो चुके थे, एंटरटेनमेंट करने के लिए। हाँ वही तो लगता ही है ना, आप बहुत अच्छी हो, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो, और आपके आपकी तारीफ, आप भी बहुत अच्छे हो, आप यहाँ रहने के लिए आए हो तो मेरे बच्चे भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, और आप भी बहुत अच्छे से बच्चों को भी रखते हो, घर भी देखो कितना अच्छा रखते हो, तो हमें भी अच्छा लगेगा आप हमारे पास। आप जब से पड़ोस में आई हैं जब से हमको बहुत अच्छा लगने लगा, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, और हम कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो हमारे बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखती हो। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप आइए, हमें नए पड़ोसी मिले, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना, हम आपकी मदद करेंगे हर तरह से। मकान खाली पड़ा हुआ था, मैंने आपकी पहुँच रही थी, और अच्छा रहा हमारे बच्चों को नए माल मिले, नए लोग मिले, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर ज़रा कम से कम। नहीं हमें बहुत अच्छे पड़ोसी मिले, एक दूसरे के साथ समय बिताते हम बैठते हैं, बातें करते हैं, बुरा नहीं लगता हमको। मैं आपसे एक्ट कर रही बोल रहा हूँ, गंदे पड़ोसी मिल गए, आप बहुत गंदे पड़ोसी हो ना, ऐसे रहती है ढंग से आगर वगैरह कैसे रहते हो, व्यवहार करना सीखो, कैसे करते हैं व्यवहार, किसी कोई व्यवहार ही करना नहीं आता आपको। हाँ जरा जरा थोड़ा अच्छे से बोलो, किस बच्चों से प्रेम से बोलो, बच्चों को गंदी औरत आई हो ठीक है ना, बच्चों जब से आई हो जब से मोहल्ले में बहुत झगड़े होने लगे, बहुत होती थी, अब तो बहुत लड़ाई है झगड़े होने लगे, बामत खेलो बच्चों के, थोड़ा प्यार से बच्चों को आ रहे बच्चों। क्या यार तुमने तो बिल्कुल माहौल खराब कर दिया, कितनी गंदी एक तरीके से रहती हो तुम, लड़की रहती हो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, इधर पढ़ाई के लिए बच्चों को भी खराब करके रखती है, सारी लेडीज आपकी बुराई करती हैं, हमेशा करती हूँ, आप इधर कचरा फेंक देती हो कहीं उधर, बच्चे भी इतना परेशान है, खेल भी नहीं सकते, आप भी कितना करती हो, बच्चों को भी बहुत ज्यादा डांटती हो आप, आपको पड़ोसी गंदे मिल गए हैं, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं ना आप चुंग पे चिल्लाते हो, उनको खेलने भी नहीं देते हो, बताओ बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आप गंदे हो, कचरा करते हो, कचरा फैलाते हो, अरे मैं तो कचरा फैलाती हूं, आप क्या करते हो, आप तो बताओ वहां का वातावरण ही गंदा कर रहे हो, बच्चों को बता रही है, मैं तो बच्चों को बताती हूं, आप तो वहां के वातावरण, बच्चे मेरे तो अच्छे हैं पर आप तो वहाँ का पूरा माहौल ही गंदा करके आता है, सारे आदमियों पे कब्जा करके बैठ रही हो, वहाँ के और क्या पूरा कॉलोनी गंदी हो रही है, बताइए क्या बोल रही है, कॉलोनी गंदी हो रही है आपके आने से, चलो मम्मा ये काम कर रही है तो बच्चे कहाँ से करेंगे, बताइए आप कर रहे हो इसलिए मेरे को
कुछ गंदे पड़ोसी मिले आपको? मतलब चुगली वगैरह करती रहती हो, बेकार है। सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी हो, पर बहुत देखे बच्चों से तो आपसे सब लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, पर आप बहुत ज्यादा ही बेकार हो। आप तो वेरी गुड, आपसे पैसे उधार लिए थे इन्होंने, वापस नहीं कर रहे, अपने पैसे मांगो। आपने परसों के दिन मेरे से 10,000 रुपए लिए थे, पैसे तो दे दो। आगे कहीं जा रहे हैं क्या? घर छोड़ के जा रहे हैं? जरूरत अरे दे देंगे, आपकी जरूरत पे काम आए थे तो आप भी तो आओ। हां तो दे देंगे ना, हो जाएंगे दे देंगे। आप मांग लो अपने पैसे, हमारे पैसे दे दो। आपने उधार लिए थे, आपने कहा 10 दिन के बाद दे दे। अरे सैलरी तो हर बार आती रहती है, आपने कभी दी है? अरे महीनों बीत गए, आपने दिए नहीं है। मांग लो अपने उधार पैसे। गलत बात है आपकी, जब आपको लेना था, जब आपको लेना था, जब तो आप पीछे पीछे आती थी और आप बात भी नहीं करती हो। बात करते हैं ना, किसने बोला नहीं करते हैं? किसने बोला? मैं अभी भी बोल रही हूँ, वैसे आपने लिया था ना, वैसे दे रही हूँ ना। और आपने मेरे पैसे लिए थे, उसका क्या हुआ? मैं तो खर्च कर नहीं, खर्च कर दिए तो दो ना, दे दूंगी। चार लोगों के सामने बैठ के तो आप बोलते हो कि मैं दे दूंगी, दे दूंगी। बंद करो, उनके पैसे अकेले में जाके आप दे दे। आपके सामने लिए थे क्या? ये तो अकेले में लिए थे। नहीं तो आपकी पीछे, हम लोगों की पर्सनल बातें हैं ना, बताइए ना। नहीं आप सामने बैठ के तो तारीफ करती हो कि भैया मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हो। मेरे पास नहीं है, रोने बैठ जाती हूँ, मेरे पास नहीं है, कहीं ये नहीं है, वो नहीं, ये कौन सी बात है? पैसे तो देना चाहिए ना, कैसे तरीका नहीं है? लेते समय तो अच्छे लगते हैं और देते समय आपको बुरा लगता है, ये गलत बात है। अरे यार नहीं, चलिए अपने पैसे मांगो। आप पैसे कब दोगे? मेरे पैसे लिए थे, तुम्हारे ध्यान नहीं है? तुम्हें 2-3 साल हो गए तुम पैसे लिए आ रही हो, कब दिए तुमने मेरे पैसे? तुम्हारे काम चल गया, बिल्कुल भूल गई तुम, बिल्कुल तुम्हारे तुम्हें याद रखना चाहिए, पहले तुम्हारा कितना काम चला है यार, भूल गई हूँ मैं तो। अपने पैसे मांगो आप। आपने बोला था कि 2 दिन के लिए मुझे उधार पैसे दो, मेले देखने जा रही है, तो मैंने चुपचाप से आपको दे दिया। अब 2 दिन से 4 दिन हो गए, अभी तक आपने पैसे वापस नहीं दिए। हमारे घर में है ना, सबको पता लग गया कि मैंने पैसे दिए थे। पैसे लेके थोड़ी भाग जाए, घर छोड़ के थोड़ी भाग। हम भी तो कभी कई बार देते हैं आपको, आपने दे दिए। अरे तुमने 2 दिन की क्या, 4 दिन हो गए, हमने तो कुछ नहीं दिया, हमारे उधार पैसे दे दिए आपने, हमने फिर भी नहीं कहा। आप अपने मांगने चली आई, पैसे दे दो पैसे दे दो, ये नहीं कि हम थोड़े दिन रुक जाए, किसी में मजबूरी आए दे दे रही है आपको, दिए पैसे क्या मतलब दिए थे तो क्या हम दिए करेंगे? 4 दिन चाहिए पैसे आपके। इनके पति की शिकायत करिए आप, इनके पति क्या करते हैं बताइए इनको। आपके पति पता है इतने गंदे हैं कि सामने बालकनी में बैठ जाते हैं, और ना इधर की चुगली उधर की चुगली, इसको देखना उसको देखना। अपने पति को तो समझाओ कम से कम, वो कभी निकलते हैं कभी जाते ही नहीं है, या तो फिर बालकनी में बैठे। अरे आपको तो गलत, आपको गलत फहमी हुई है, वो निकलते ही नहीं। मैंने अपनी आंखें नहीं, वो निकलते ही नहीं है, सोए ही चले जाते हैं वो ऑफिस। पता है थोड़ी सब करते होंगे वो, बोल रही है तो बोल रहे हैं, आपको पता है थोड़ी करेंगे वो। और वो बैठे रहते हैं, उनसे मना करना कि बालकनी में जावे, बैठे रह कर। अच्छा, और इनके पति? आपके पति तो बड़े बेकार हैं, और देखते रहते हैं बैठते, टाइम ही नहीं है। पहले अच्छा जॉब कर ले आप, देखेंगे। आपको पता है पुलिस की जॉब के बहाने वो बाहर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, चौकीदारी करते हैं, बैठे रहते हैं। आपको तो ये लगता है नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, देख लेती हूँ मोबाइल पे। अरे वो दिखाने के लिए वो दिखाते हैं बस, और सब बाहर जाके वो देख लेते हैं, तुमको पता ही नहीं है। वेरी गुड, इनके पति की पहले शिकायत करी है। क्यों आपके पति, आपको पता है क्या करते हैं वो? बाहर बैठ के घूमते हैं, पता आपसे बोल के जाते हैं ऑफिस जा रहे हैं, पर बाहर जाके पता क्या करते हैं? गार्डों में लड़कियों को लेके घूमते हैं। कुछ नॉलेज रखो कम से कम। तभी तो आते हैं वो, ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। चलिए आप एक मिनट, अपने इनके पति की शिकायत करो आप। आपके पति बगल में वो शर्मा जी रहती हूँ, उनको ही देखते रहते हैं, जब देखो जब उन पर ही लेना रहते हैं वो, और आने वाले आने जाने वाले यार देखते रहते निकल जाते हैं, शाम को आते हैं वो, नहीं आते देखते हैं, भागते रहते हैं, घर बता के जाते हैं सुबह। आपके पति तो पता है जब मैं ऑफिस निकलती हूँ सड़क पे पड़े रहते हैं, डेली सवेरे शराब पीना स्टार्ट करते हैं। शराब भी नहीं पीते, मैंने खुद देखा है, मैं आपको जब मैं जाती हूँ ना भी नहीं खाते, वहाँ पे पड़े रहते हैं। इनके पति की शिकायत करो आप। तुम्हारे पति जब से तुम लोग रहने आई हो पड़ोस में, जब से दारू पी के ना ही सिगरेट पीते रहते हैं, दिन भर धुआं उड़ाते रहते हैं। हमारे पति सिगरेट पीते नहीं है,
आपके पति परेशान है हम लोग, आपके पति बहुत अच्छी है, मेरा सड़क पर लगा 4 रुपए के और सब कुछ देखते रहते हैं लेडीजों को, कब कौन सी लेडीज खाने का लेंगे बताए, आपको ड्यूटी आते औरतों को देखते सड़क पर जाए, मैंने बहुत बार देखा उन्हें, बहुत अच्छे हैं आपके पति, आपकी तो यार ना चली गई है, आप इनको पहचान नहीं पा रहे। अरे आप मेरे को जानते हो? नहीं भैया मैं आपको नहीं जानती, आपको जानते नहीं है, पालतू बहनों गले पड़ रही हूँ तो नहीं नहीं मैं नहीं जानती। अरे कुछ तो ध्यान आना चाहिए, नहीं आपको जानती ही नहीं है, पालतू बहनों गले क्यों पड़ रही बीच में रस्ते में, अरे रस्ते में निकल नहीं इनकी यार ना चली गई है। अरे आप हमको पहचानती हो, मेरा घर जानती हो क्या? मेरा घर जानती है, मेरे घर पे छोड़ देना मेरे को। अरे भैया मैं कोई बहुत काम है, घर पे छोड़ने के लिए बैठी हूँ। नहीं आपने देखा हो तो शायद, नहीं देखा। पहचानते हो आप कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे पहचानते हो? नहीं पहचानो ना यार, यार मैं तो आपको बहुत अच्छे से पहचान, बोलो मैंने नहीं, नहीं यार मैं तो आपको बहुत अच्छे से, कल ही तो मिले थे यार अपन पड़ोस में, नहीं मैंने कल, हाँ यार कल थोड़ी ना मिले थे, क्यों यार क्या बोलते हो यार, कैसे कैसे यार दा चली गई है मेमोरी की, क्या आप मुझे पहचानते हो? नहीं नहीं मैंने नहीं पहचानो ना प्लीज, चलिए चलिए। अरे बाबा मैंने नहीं पहचाना, फालतू में गले मत पड़े मेरे, इनकी याद चली गई है। क्यों आपको ना एक साल पहले मुझे मिलाम मिली थी, मैं कहीं नहीं जैसे शकल के बहुत आते हैं ना यार, नहीं है ना एक ही पीस होता है। नहीं नहीं आपको पता है मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है, बता दो ना, पता हो तो प्लीज। अच्छा मैंने तुम्हें देखा था, पता नहीं है मेरा घर कौन सा है, मेरे को याद नहीं है, आपको पता है क्या मेरा घर कहाँ पर है, बता दो। मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था लेकिन मैंने भी तुम्हें बहुत पहले देखा था लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ मेले में खो गई, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे खुद पता नहीं मुझे किधर जाना है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा? आप दो बच्चों को लेकर आई थी, कैसे भूल गई यहाँ पे? मुझे कुछ भी पता नहीं है, मेरे दो बच्चे हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है, कैसे भूल सकती है आप? अपने दिमाग में थोड़ा जोर दो, मुझे याद ही नहीं है, मुझे तो यही पता नहीं है। अरे कैसे भूल सकती है आप? देखो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपके बच्चे भी है, आपके पति भी है। अरे मैं कहाँ से आई थी? अरे अभी तो यहाँ पे मिले थे अपन, मेले में थोड़ी देर पहले से आई थी। नहीं मैंने को नहीं पता, अरे अपन साथ साथ गाना गाया था। नहीं मेरे को नहीं पता, अपन साथ साथ लंच भी किया था। नहीं मेरे को नहीं कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? नहीं मैं कैसे भूल गई? नहीं मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। बहुत शानदार, गाँव में जो बेटियाँ जाती है विदा होके कैसे जाती है? कहाँ पता चला को? बेटा जल्दी बुला लेंगे सबन को, जानो मैं नहीं भूली सबको, जान नहीं नहीं मत रो, आपको जा रहा है ये सच्ची में रोने लगी वो तो, आपको भी जा रहा है। ओ मेरी मम्मी मैं कहाँ भटक रही हूँ, कल बुला लेंगे, अरे कल बुला लेंगे, अरे जाना तो पड़ेगा बेटा, तो जाना तो पड़ेगा, तो जाना है, अरे कल परसों बुला लेंगे, टेंशन मत लो। चलिए आपको भी जाना है, नहीं 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 चले, आपको भी जाना है। तो ये तो था सुपर वुमेन, और इसके बाद बुधवार का है, बुधवार तो आज ही है ना, गुरुवार, आज तो मंगलवार है, क्या बार है आज, आज बुधवार है क्या? अरे आज इनके चक्कर में मेरी मेमोरी और चली गई, अच्छा मैंने इनसे हक करवाया। गुरुवार का है सुपर गर्ल और शुक्रवार का स्पेशल है, 26 जनवरी है ना, सुपर बॉय स्पेशल है, शुक्र कल आपने फेंक दी थी, साइलेंट मोड पर लाया हूँ, बाद में फेंकना, साइलेंट है ना, कल फेंक दी थी आपने चीन के, आज मैं फेंकना, साइलेंट है। क्या कर रहे हैं, क्या ये बजाने आए थे क्या? नहीं, ये बजाने आए थे, टैलेंट 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 तो बातें नहीं है, टैलेंट की क्या, ऐसे करते क्या हो, ऐसे ऐसे करके टैलेंट, तैयारी तैयारी क्या,
भूसे मारने की तैयारी? नहीं नहीं, टैलेंट लाने की तैयारी। टैलेंट लाने की तैयारी और क्या कर तो पाते नहीं हो। एक वो आएगा तुम्हारा, वो चाइनीज, उसका नाम मतलब क्यों क्या हो गया? क्यों हुआ क्या? अरे भाई अच्छा वही वो कुंडली बाहर से लगी थी तो बदल के नहीं आएगा पेंट? लगता मुझे नहीं लग रहा इसमें ऐसे आ गया। अच्छा जमी और क्या, चलो पेश कर लो। है सच्ची में? है सच्ची में, आज सच्ची में टैलेंट है पक्का। हाँ तो टैलेंट मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा वादा पक्का, प्रॉमिस टैलेंट। हाँ करो फेंक दे इसको। हाँ आप ही फेंक दो, आज रोज फेंकते हो तो आज ही फेंक दे इसको। तुम ही कर लो जो तुम्हें करना है। रख लेते हैं। हाँ रख लो, कर दे। हाँ कर, लेकिन एक चीज मेरे को बताओ। चलो अच्छा कर दो। 20 साल क्या क्या 20 साल क्या टैलेंट भाई साहब? टैलेंट तो तुम कर नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंट हूँ मैं तो तुम नहीं कर पाओगे। कर दूंगा भाई साहब, मैं आज बोल रहा हूँ ना कि मैं कर दूंगा। रोज भी तो यही बोलते हो, कर दूंगा कर दूंगा, आज कर दूंगा। करो पक्की में बात आया। हाँ और नहीं कर पाए तो आज टैलेंट पेश होगा। चलो इट्स चैलेंज, चलो कबूल करो चैलेंज। हाँ और नहीं हो पाया तो आज टैलेंट होगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं फिर कल से। फिर मैं चलो। और ये क्या होता है कल से नहीं करोगे, मतलब ये कोई दंड हुआ? नहीं 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 तो फिर चलो चलो टैलेंट मैं ही पेश करूंगा। करो ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करते क्या हो, ये मेरे को समझ में नहीं आती। करते अपने आप निकल जाती है उंगलियां उंगलियां। चलो चलो स्टार्ट करो। हां करो करो शांत करो। हां करो नहीं निकल रही है वो मुंह नहीं नहीं निकालो फिर। 20 साल पुराना प्रोग्राम आओ मेरे चलो आप सबकी जान टेस्ट करते हैं। क्या ये खिच 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 क्या चीज, तुम लोग प्यार से जाओगे? सही बोल रहा था वो, सही सही बोल रहा था तुम, आई तो सही एकदम। चलो आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अरे तू जल्दी कर यार, जो कर आपके सामने एक ऐसा टैलेंट पेश होगा तलत्ता। उठा 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 इकी चाची। आज तो जी बोल नहीं पाएंगे साहब। क्या आज बिल्कुल बोल पाएंगे? आज आज बिल्कुल बोल पाएंगे? आज आज तो बॉडीगार्ड है पंजाब से मेरे पास। बोले साहब बोले जी, ये कौन है? बोले साहब बॉडीगार्ड है तुम्हारा? बॉडीगार्ड है। आज आज तो ये बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं सभी कौन है? आज ये बोल ही नहीं पाएंगे। सभी कौन है? सभी जी आज तो ये बोल ही नहीं पाएंगे। साहब जी बॉडीगार्ड है आज तुम्हारा? बिल्कुल वो नहीं बोल पाएंगे, बॉडीगार्ड है मेरा आज। साहब जी बॉडीगार्ड है मेरा आज तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। वो काम हो गया, बोल नहीं पाएगा आप ना, जो बोल पाएगा जो बोल पाएगा। काम हो गया काम बॉडीगार्ड, काम बॉडीगार्ड तुम्हारा, बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड। ये रहा ये रहा इधर देख, आराम करो। आपके सामने एक ऐसा टैलेंट पेश करूंगा जो ऊंचाइयों को छू रहा है, बहुत ऊंचाइयों पर है। नशे नहीं भरा के, नशे नहीं भरा के, नशे नहीं भरा के, ये रहे ऊपर दूसरे फ्लोर पे। वो गया, वो गया, ये। अरे तुम क्यों चल रहे हो यार? हाँ यही तो है, नशेनी तो है, मौसम कैसा हो नशेनी तो है। एक फायदा है इनके यहाँ, अगर लाइट नहीं हो और दूसरी मंजिल पे अगर पानी छड़ाने वाली बात हो तो कोई टेंशन नहीं है। टैलेंट तो है मेरे पास भी है। हाँ। तुम्हारे पास भी है? घर में होती है सबके तालों में चाबी, आ रही है हमारी भाभी। ओ तेरी, ओ तेरी डबल। ये भाभी? हाँ। और तू क्या कर रहा है यहाँ? ये क्या करना है? क्या? बेकार में अकबर। चलो यार Oh, 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 oh
वेरी गुड, बहुत शानदार। बस बस बस, क्या कर रहे हो ये? तुम क्या कर रहे हो ये? जी भाई साहब, पता नहीं कहाँ का। चलो यार, यहाँ से मेरे को उनको गिफ्ट देने दो। चम्मच चम्मच तो क्या करूँ, चम्मच सम्मान तो ये आ गया तेरा बॉडी गार्ड। पैसे तुमको मैंने भरोसे पर रखा। पैसे आज पैसे पैसे रुके बताओ, पैसे पैसे क्या पैसे भाई साहब? पैसे मैंने भरोसे पर रखा। पैसे नहीं, बॉडी गार्ड है तुम्हारा? नहीं, एक मिनट सीधे कर दो भाई साहब। नहीं भाई, तुमको मैंने भरोसे पर रखा, तुम बिक गए पैसों में। ये बॉडी गार्ड है तुम्हारा? ऐसे नहीं है। ये बॉडीगार्ड है तुम्हारा? एक मिनट बॉडीगार्ड? खड़े रहो। ऐसे भैरव भी मिलते बॉडीगार्ड? तो लाया से ले उसको। रुको, आराम कौन नहीं होता? मुझे क्या लगा असली भाषा? मुझे लगा, अरे उसको वही ना ले यार। मुझे क्या भाई साहब की ऐसे थे, मुझे ये भी लगा। ले उसको, ले ऐसे ले आप। ये गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर आज किसके साथ जाता है जल्दी से? एक बार खरीदो, पांच बार जीतो, ना खरीदो तो भी जीतो। इसमें पांच वीकली ड्रॉ है। पहला है सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाने का। एक बार खरीदो, पांच बार जीतो, ना खरीदो फिर भी जीतो। और क्या कहते हैं इसको, बूढ़े बच्चे जो भी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको घर में रूम में भी ले आके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे वगैरह डिलीवरी वगैरह होती है तो आराम से बेडरूम में रख के दूध वगैरह गर्म हो सकता है। रात में भी उठने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरी नहीं है। और टाइम सेट करके दूध को रख दो तो उबल के फैलता भी नहीं है दूध। और माइक्रोवेव प्लेट है इसमें तो पानी डालने से चटकती भी नहीं है। और इससे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये क्या है ना, इसमें 5 साल की वारंटी है और 1 साल की ये क्या पूरी तरीके से सर्विस देते हैं। उसमें जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं मिनिमम, वो ज़्यादा उसके हाई फाई पार्ट्स नहीं होते हैं, 100-300 रुपए तक के पार्ट्स होते हैं। 1 साल तो वो खुद का डालते हैं, उसके बाद जो 4 साल रहता है वारंटी सर्विस फ्री देते हैं, बाकी का जो पार्ट्स होता है वो खुद डालते हैं और उसके पैसे लेते हैं। और ये इसकी क्या 5 लकी ड्रॉ है। फर्स्ट ड्रॉ है, एक DVD प्लेयर है, दूसरा 10,000 कैश है, तीसरा सिंगापुर का टूर है, नहीं वो गोवा टूर है, चौथा है वो क्या कहते हैं वो 2 पल्सर बाइक आई हैं जो C2022 की, और 5 है वो थाईलैंड, मलेसिया और सिंगापुर। ये 5 लकी ड्रॉ और इसको कहीं भी किसी भी जगह 4500 रुपये का गोल्डन इंडक्शन कुकर आया है। इसमें क्या है, इसमें 2500 का पैकेज वो फ्री दे रहे हैं, जिसमें कि 1650 रुपये का एक कुकर है और 2500 रुपये के बर्तन है। और जैसे कि किसी को स्वास्थ्य की बीमारी होती है, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। धुआं वगैरह कोई झंझट नहीं है। और इसमें क्या है, चाय या दूध कुछ भी फैल जाए तो प्लेट चटकती नहीं है इसकी। और 12 साल का विश्वास है। और क्या कहते हैं इसको ना, इसमें 70% तक बिजली की बचत है। इसका 12 साल का विश्वास है। इसमें बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं इसको ना, अनपढ़ लोग भी यूज कर सकते हैं। और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं वहाँ पर खाना बनाने की बड़ी दिक्कत आती है, इसको वहाँ ले जा सकते हैं। ये जनरेटर से भी चल सकता है, ये गांव में भी बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है। इससे जो सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने में बहुत देर होती है, तैयारी करने में भी, तो इससे आसानी होती है। और वेरी गुड, बहुत शानदार गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर। एक बार खरीदो, पांच बार जीतो, जो ना खरीदो और ना खरीदो तो भी जीतो। अपन इसको किसी की भी शादी में गिफ्ट में दे सकते हैं। गैस सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया, गैस ही अच्छा है बिजली की। आपने सही बताया है, किसी की मैं शादी में भी गिफ्ट दे सकते हैं। बिटिया की शादी में अगर गिफ्ट देते हैं तो एक तरीके से चूल्हे का काम करेगा आपके लिए। और क्या कर सकते हैं? और क्या, बच्चे जैसे बाहर पढ़ते होंगे तो उनको भी आसानी से खाना बना सकते हैं, गांव में रह सकते हैं इसको आराम से। जो महिला खड़ी नहीं हो सकती वो आराम से बैठकर इस पर काम कर सकती है, वहाँ पर कमरे में ले जा सकती है। गर्मियों में बहुत अच्छा है, गर्मियों में अपन AC पंखा कुछ भी चलाकर कर सकते हैं, है ना। उस पर चाय दूध कुछ भी रख दो, फनता नहीं है। और टच स्क्रीन का भी आया है इसमें, कि टच स्क्रीन का भी आया है उसमें, वो टाइम सेट करके रख दो दूध चाय भगवानी से बाहर नहीं निकलते। वेरी गुड, लेकिन आपने प्रश्नोत्तरी बता दी है, आज की प्रश्नोत्तरी थी, अनपढ़ महिलाएं भी इंडक्शन आराम से गोल्डन लाइफ का चला लेती हैं। अनपढ़ से मतलब कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, एजुकेटेड नहीं होती हैं, वो बड़े आसानी तरीके से, क्योंकि उस पे डिस्प्ले में सब कुछ दिया रहता है। एक आपके लिए रख लीजिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन को करते। क्या हुआ, ले लोगे आप? ले लूंगा मैं, मतलब आपको उम्मीद नहीं है आपको मिल जाएगा? नहीं, विद्या रानी कसम, विद्या रानी कसम।
तो आपने बताया, मैं तो दे रहा हूँ, ले जाऊँ वापस उधर। नहीं क्या हार्ट बीट बढ़ गई है क्या? नहीं, डर लगने लगा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? डर लगने लगा है, सच्ची में डर लगने लगा है? ऐसे ऐसे ये वाला कौन सा वाला, ऐसा वाला डर लग रहा है आपको? चलिए एक आपके लिए रख लीजिए, आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर। क्या है ये? स्लिप बेल मैट्रेस, विशाल विंडो कूलर भी लगा है, इनके यहाँ पे रिमोट वाला कूलर भी आया है, सिंपनी के कूलर भी है, तीन किस्तों में है ना, मतलब वो गद्दे वगैरह देते हैं, और स्लिप बेल के तकिए हैं, कमर दर्द का गद्दा है जो कि है ना, मतलब माँ की गोद में सो रहे हैं वैसा आराम मिलता है, और ये हरिप्रिया कॉम्प्लेंस, हरिप्रिया, और इसके अलावा, इसके अलावा रिमोट वाला कूलर आया है, इसमें पानी की बचत होती है और बिजली की भी बचत होती है इसमें, और इसके अलावा ये 0 से 10% वो इसकी स्पीड जो होती है 0 से 10%, और ये रिमोट नया अभी न्यू चला है, और इसकी स्टील की जो प्लेट इसमें जंग वगैरह लग जाती है वो चीज़ नहीं लगती है, और इसके जो गद्दे हैं ना वो कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे आए हैं, और क्या 0 से 10 तक की स्पीड है, आपने बिल्कुल सही बताया, आपके लिए रख लीजिए विशाल विंडो कूलर स्लिप बेल मैट्रेस। चक्की प्रेस आटा, गाला चक्की प्रेस आटा अच्छा है, सरबती गेहूं से बनता है, और इसको मारने में दिक्कत नहीं होती, आसानी से मर जाता है, बुढ़े बुजुर्ग सभी लोग खा सकते हैं, और है ना सब हर शॉप पे मिलता है ये। इसके अलावा बच्चे, जो लोग जो बच्चे खाना नहीं खाते वो भी ठीक से खाने लगते हैं, मेमोरी तेज होती है कि, और हर जगह मिलता है ये आसानी से। इसके अलावा रोटियां फूली बनती हैं, और इसमें बच्चों जो खाते नहीं है वो भी खाने लगते हैं, और इसका रवा, मैदा, सूजी, और ये हर शॉप पर मिल रहा है, दुकानों पर मिल रहा है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहता है, और बहुत अच्छी इसकी रोटियां। इसके अलावा 5 किलो से 25 किलो तक के पैकेट में आता है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिनके दांत नहीं हो वो भी खा सकते हैं, जिनके दांत नहीं वो भी अच्छे से चबा के रोटी खा सकती हैं। फाइबर बहुत ज़्यादा, ये आपने बिल्कुल सही बताया है, इसमें फाइबर ज्यादा है। एक आपके लिए है गालब चक्की प्रेस आटा, MIS मेट्रोपोलिस इंटरनेशनल, इसको ये सीप्रिलिंग रोड पे है, और CBSE है, नर्सरी से लेकर 10th तक है, और इसमें डोनेशन फ्री है, और इसमें हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, और बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकती है। CBSE नंबर 10 10 30 937, राइट, 10 30 937। एक आपके लिए है, कौन सी चाय है ये? पद्मश्री, कहाँ मिलती है? हर शॉप पे मिलती है ये, और ये बालाबाई की बाजार, वो नहीं, आगे बढ़ूंगा मैं। सर पद्मश्री चाय हर शॉप पर मिलती है, और दाल बाजार में इसका नहीं, पद्मश्री चाय 100 से लेके 200 क्वालिटी में आ रही है, और हर जगह मिलती है। कहाँ पे है ये? हाँ जी, RITC कंपनी, नया बाजार। कितने तरीके की चाय और है? 200 तरीके की। एक आपके लिए RIT कंपनी नया बाजार। कहाँ खुला है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन? ये मुरार पे खुला है, और क्या है खासियत? इसमें 3 मंजिल का शोरूम बना है, और बच्चों के सबों के इसमें कपड़े मिलते हैं। एक आपके लिए है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए, कौन सा पोहा है ये हमारा? ताजमहल पोहा। क्या खासियत है सर इसके? इसमें बहुत स्वादिष्ट पोहा बनता है, और ये बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। क्या है और इसमें? इसमें मसाला निकलता है। और क्या है इसके अलावा? इसमें हर जगह मिलता है, और साफ सुथरा बना हुआ रहता है, खुला हुआ अपन लेके आते हैंगे तो उसमें चुए हुए गंदगी कर जाते हैं, लेकिन इसमें इसमें नहीं है ये पैकिंग। एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, ये बॉम्बे नोवेल्टी के पैलेस सर, कहाँ पर बताना तो पड़ेगा आपको। चलिए फोटो फ्रेम इनके क्या है सर? इनके फोटो सर मुझे नहीं पता। 101 रुपए की मूर्ति है इनके, है ना, और शहर में ये बालाबाई का बाजार, और यहाँ गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के ठीक सामने 36 नंबर 3 कश्मीरी गेट के बीच से। एक आपके लिए है इधर, आपने बढ़िया डांस किया है भाभी बहरा के, एक आपके लिए है रख लीजिए, एक शानदार सी ये इंस्टॉल, एक आपके लिए है बिंदल फैशन फैमिली कलेक्शन से, के लिए है बॉम्बे नोवेल्टी के पैलेस से है। बलवीर भाई की शॉप से एक आपके लिए रख लो, अरे तुम क्या डर रहे, एक आपके लिए रख लो, दीदी को दीदी के लिए काम का है ना ये, तो रख लो एक आपके लिए 36 नंबर 10 से है, और जो पब्लिक में हाथ उठा देगा मैं उससे पूछूंगा नमकीन, जो पब्लिक में हाथ उठाएगा इधर नमकीन, अजीरा, और इंडक के सामने, और थाटीपुर मुराद, थाटीपुर मुराद, और एक और इधर जो हाथ उठाएगा बताइए, पिंटू बारा, और पूरा बताओ ना कहाँ, अजीरा इंडक्स के सामने थाटीपुर पिंटू बारा। आपके लिए रख लो भोगराज नमकीन से, जो हाथ उठाएगा कौन सा पोहा है ये इधर से बताओ, ताजमहल पोहा। क्या खासियत इसकी? अच्छा बेहतरीन बनता, मसालेदार है संग में। एक आपके लिए रख लीजिए, मसाला इसके अंदर नहीं है, हाँ मसाला अलग से है, एक आपके लिए रख लो ताजमहल पोहा से।
एक आपके लिए MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल, एक आपके लिए भी है शुप्री लिंक रोड से, एक आपके लिए भी है, एक एक आपके लिए है MIS मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल से, एक एक और है मेरे पास आप सबके लिए है पद्मश्री चाय, एक आपके लिए आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, आपके लिए आपको तो बड़ा मिल गया है, आपके लिए आपके लिए एक आपके एक आपके लिए है पद्मश्री चाय, आपने इस्तेमाल की है हाँ। कैसी चाय है? पिछले साल लेके गई थी जीत के। नहीं आप बाजार से ले रहे हैं आप हाँ, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए और आपके लिए रीडा शूज से रखते जाइए, एक आपके लिए शिल्पी फुटवेयर टोपी बाजार से आपके लिए है, आपके लिए आपके लिए एक आपके लिए रीडा शूज से आपके लिए और एक आपके लिए है डालब चक्की प्रेस आटा से सूजी हलवा बनाना आता है आपको सच्ची में? मीठा या नमकीन? मीठा मीठा आता, नमकीन नहीं आता, नमकीन नहीं आता। अरे राम, एक आपके लिए गालब चक्की ब्रश आटा से, आपके लिए मैदा है, आपको तो बम्पर मिला, एक आपके लिए है मैदा, आपके लिए भी है मैदा, एक आपके लिए गालब चक्की ब्रश आटा से सूजी और एक आपके लिए है ये मैदा। विशाल विंडो कूलर विशाल अलमारी, एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर विशाल अलमारी स्लिप बेल मैट्रस सिंपनी कूलर, स्लिप बेल मैट्रस सिंपनी कूलर विशाल विंडो कूलर से विशाल अलमारी से, अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है अग्रवाल फोटो फ्रेम से आपके लिए है, एक आपके लिए बालाबाजी का बाजार और मेले में 36 नंबर 3 कश्मीर गेट के बीच से सॉरी, एक आपके लिए है, एक आपके लिए है और एक आपके लिए, एक एक और है मेरे पास रखिए, ताजमहल पोहा से एक एक आपके लिए, आपने इस्तेमाल किया है ताजमहल पोहा? किसने किया है ताजमहल पोहा? कैसा है? बनाया तो बहुत अच्छा बना। सच्ची में? सच्ची में। विद्या रानी का सर? एक आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, देखिए बेकार चीज होगी तो मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं करूंगा, अच्छी चीज होगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, एक आपके लिए मेरा वादा है, एक आपके लिए भी ताजमहल पोहा से इस्तेमाल करिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए है, एक एक आप दोनों के लिए, पसंद आए तो बाजार से लीजिए, आपके लिए रख लीजिए, एक आपके लिए भोगराज नमकीन हजीरा इंटक के सामने 34 और पिंटो पारा के, एक आपके लिए, आपके लिए भोगराज नमकीन से, एक आपके लिए और एक आपके लिए, एक एक और दे देता हूँ मैं, कहाँ से निकल है मेरे पास फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, कहाँ पर है ये नई सड़क? एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट स्टूडियो नई सड़क से, क्या खासियत है सर? जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी हो जाती है, आपकी तो हो गई है ना? यस सर, मेरी। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है फाइन आर्ट से, कहाँ पर है ये नई सड़क? खासियत जो काला होता है उनकी फोटो अच्छी आती है और बिल्कुल साफ आती है, क्लियर आती है, और बच्चों के स्पेशलिस्ट है। एक आपके लिए, आपने फोटो क्लिक कराया वहाँ? वैसे ही कराया, क्लिक कराया। एक आपके लिए है फाइन आर्ट स्टूडियो से, एक आपके लिए भी है, आपने देखा है? हाँ देखा है, फोटो क्लिक कराया है? कराया है, अभी एनिवर्सरी पे कराया है तो 12 साल पुराना है। कैसा है? बहुत अच्छा है। विद्या रानी का? विद्या रानी का। झूठ तो नहीं बोल रहा? झूठ क्यों बोलेंगे, आप तो झूठ नहीं बोल रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा आया होगा जब तो बोल रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है 52 साल हो गए हैं और 52 साल का अनुभव बोलता तो है। एक आपके लिए है फाइन आर्ट स्टूडियो नहीं सड़क के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये चॉकलेट है, रखते जाइए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए है सॉरी आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए ताजमहल पोहा से, एक आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए ताजमहल पोहा से। सिंगल वर्जन फैमिली कलेक्शन कहाँ पर? धर्म सड़क मुराद। वेरी गुड, एक आपके लिए उनकी तरफ से और है, आपके लिए भी है विंडल फैशन फैमिली कलेक्शन से, आपके लिए भी है विंडल फैशन फैमिली कलेक्शन से, आपके लिए भी है विंडल फैशन फैमिली कलेक्शन, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है विंडल फैशन फैमिली कलेक्शन से, आपके लिए है विंडल फैशन फैमिली कलेक्शन, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है विंडल फैशन फैमिली कलेक्शन से, एक आपके लिए है। कितने बच्चा है आपके? एक। शादी हो गई आपकी? शादी। आपने नाच डांस भी बहुत अच्छा किया, एक एक और स्मार्ट गाड़ियों की स्मार्ट पसंद जोर से बोली, और कितने सालों का विश्वास? 12 सालों का विश्वास। एक आपके लिए, कहाँ रहते हो? महाराजपुरा में आप प्रोग्राम देख रहे हो, मजा आ रहा है? एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए भी गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से और एक आपके लिए और है। कैसा लग रहा है आप सच्ची में? कौन सा प्रोग्राम है ये जोर से बोलिए, और ये किसका प्रोग्राम है? अपना। किसका है? अपना, यानी ग्वालियर का पारिवारिक प्रोग्राम। चलिए अब इसी बात पे
1000 का नोट। अब आप देखो, मैं बताऊं, किसी को बोलना नहीं, आज मैं बताऊं, खर्चा मेरे से ही बहुत हो गया है, नहीं मैं आपको 2000 रुपए दे देता, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा, खर्चा मुझसे ही हुआ है गलती, 500 रुपए एक हाथ के लिए, सॉरी रख लीजिए, एक आपके लिए है 500 रुपए, बॉम्बे नॉवल्टी की पहले बलवीर भाई की शॉप से आपके लिए भी है ये 500 रुपए, आज आप उनको रिटर्न गिफ्ट देना, गिफ्ट देना, ठीक है ना। वैसे कितने बच्चे हैं? दो बेटा बेटी आपके? दो बेटे हैं। समझ तो आप गए होगे, शादी हो गई है ना तब। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये गिफ्ट देना इसकी बोल रहा हूँ, ये तो समझ गए होगे गिफ्ट देना है, शादी की थोड़ी, पूरा बच्चे हुए भाई, बच्चे हैं तो शादी तो ही होगी, शादी होगी, बिना शादी के क्या बच्चे होना, ठीक बात है कि नहीं है? नहीं होता है ऐसा, ऐसा होता है। चलिए एक आपके लिए बॉम्बे नॉवल्टी गिफ्ट पहले से, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है बॉम्बे नॉवल्टी गिफ्ट पहले बलवीर भाई की शॉप से, एक आपके लिए भी है। कहाँ रहते हो आप? कोटेश्वर। कोटेश्वर, चलिए एक आपके लिए है 500 रुपए। लंबो जी टिंगू जी नहीं बोल रहा, टिंगू जी तो मेरे साथ दूसरे हैं, एक आपके लिए है ये 500 रुपए बॉम्बे नॉवल्टी की पहले। क्या नाम है साहब? कल्लू खान। कैसे नाम होता है? कल्लू खान बचपन से ही कल्लू, कल्लू बचपन से ही बड़े आए, देख बोले कल्लू नाम चल रहा तुम्हारा और का ससुराल जाते थे बोले हमारे कल्लू जी जा है, ये तो आपके लिए पद्मश्री चाय से रख लो, एक आपके लिए। भाभी जी नाम? हिमांशी। एक आपके लिए, प्रोग्राम देख रहे हैं आप, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से। हाँ भाई पहलवान, क्या नाम? मनोज सूर्यवंशी। मनोज सूर्यवंशी रखा था ये नाम आपने? लग रहा है झूठा। किसने रखा था ये नाम? मेरी माँ ने रखा। आपकी मम्मी ने कि पापा ने? पंडित जी ने। एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से। बेटे नाम क्या है आपका? वेदांत त्रिपाठी। कहाँ रहते हो? आदर्श कारण गुलांदर। एक आपके लिए, मेले का प्रोग्राम देख रहे हो आप? देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो घर पे। एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं नीरज चौरसिया। कहाँ रहते हैं? सागर मध्य प्रदेश। एक आपके लिए रख लीजिए ये पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए भी है। भाभी जी नाम क्या है? आइए। अरे जी डर के मत गई, पकड़ लो इनको, बात कही वो तो। आंटी जी नाम क्या है आपका? एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से। क्या नाम है आपका? फरजाना। कहाँ रहते हैं? कंपू। एक आपके लिए, प्रोग्राम देख रहे हैं, चलिए एक आपके लिए है, आप पकड़ ला खेल रहा हम तो, भाग गई वो तो। चलिए चलते हैं यहाँ से दोस्तों झूला सेक्टर, और देखते हैं कि आज बुधवार के दिन क्या नजारा है। यहाँ से सीधे झूला सेक्टर। ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा, मुझको ठंड लग रही है मुझसे दूर तू न जा, न जा न जा न जा न जा। किस नौजनकार ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, सबकी बोल ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। काला हो या काला हो, जब उसका जो पैसे वाला हो, घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से, सच्चा है यहाँ कंगाल, उसी को वोट दिखाए जो वोटर को नोट, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। पैसों पे अगर मैं मरता हूँ, बतलाओ बुरा क्या करता हूँ, की तब उठती है डोली दुल्हन की, मैं गंगू को दूं राज, मैं गंगू तेली को दूं राजा है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा।
बोलता है, ये पैसा बोलता है। तो ये था वैसे आज का कार्यक्रम। मैं माइए साहब मेला चले, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं आपसे, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और हम जो कॉन्सेप्ट खिलाते हैं ना झटका, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप उस झटका वाले कॉन्सेप्ट में पीछे से मत बोला करिए कि ये बकरा बनने वाला है या झटका बनने वाला है। आज हमने दो लोगों को झटका लगाया, लेकिन आप ही में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया बकरा बन रहा है, तो जिसको भी लगा था वो बिल्कुल शौक ही नहीं हुआ, उसको पता लग गया कि ये गेम चल रहा है। YouTube पे भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, YouTube पे देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना YouTube पे, आपको सिर्फ इतना करना है आओ मेला चले टाइप करना है, आपको पर डे के पर डे वाले भी एपिसोड मिलेंगे, साथ में सिर्फ इतना करिए उसके बगल में जो लाल बटन रहता है ना सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब वाला बटन वो आप उसको दबा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि नए एपिसोड हमारे कौन से अपलोड हुए हैं। और इसके साथ में घंटी चाहें तो बजा दें, घंटी उसके बगल में, घंटी से भी आपको घंटी बज जाएगी कि नया एपिसोड आ गया है। और हाँ, इसके साथ कल यानी आज हो गया, आज गुरुवार का सुपर गाला 26 जनवरी का स्पेशल सुपर बॉय वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए है, सारे मेरे जितने बॉय दोस्त हैं उनके लिए है। तो इजाजत चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, अगर चाहे तो एक बार आप नेटवर्कों के नंबर नोट कर लें, विन ग्वालियर हेड पे 866 SR पे 1853 और 63, इसके साथ में डिजियाना पे केवल दो नंबर पे चल रहा है, डिजियाना के साथ सिटी केबल पे 96 चैनल नंबर पे और 10 पे चालू हो गया 155, और बामौर में 111 डिजियाना, मुरैना में 200 नंबर डिजियाना और कैलारस में 111 नंबर डिजियाना, डबरा और भिंड में आप 866 हेडपे पे देख सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता, गुड्डू कैमरामैन, अनुराग झा, ऋषभ साखला, चंदन बरैया सपोर्टेड एंकर, निखिल कटारिया, बाबू बेधड़क, हेमंत मारिया, करण भगेल, इसके साथ अभिषेक चौकवानी, हनी शंकवार, शिवानी शंकवार के साथ इस वादे के संग इजाजत चाह रहा हूँ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह मुलाकात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चल स्वर और सभी हम उम्र को है, अंत में आज इजाजत और कल मुलाकात इनकी, बाय। आप देखिए इन दोनों पहले कर दिए, आज इजाजत और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।